फ्लटर फ्रेमवर्क एग्जैक्टली है क्या, तो इसको आज समझते हैं कि पहले सपोज़ आपको ऐप बनाना रहता था तो वेबसाइट के लिए आपको रिएक्ट और एंगुलर सीखना होता था, ठीक है। मोबाइल ऐप में दो कैटेगरीज रहती थी, राइट, एंड्रॉयड भी और आईफोन भी। अब एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए आपको कॉटलिन सीखना होता था, आईफोन ऐप बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट सीखना होता था। बट ये जो चैलेंज था कि अलग अलग चीज़ें आपको सीखनी होती थी, ये चीज़ सॉल्व हुई है फ्लटर फ्रेमवर्क से। अब फ्लटर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें आप एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सब डिवाइसेस के ऐप बना सकते हैं। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है कि वेबसाइट भी, मोबाइल ऐप भी, डेस्कटॉप ऐप भी, एम्बेडेड डिवाइसेस, सारे डिवाइसेस के लिए ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ऐप क्रिएट कर देता है। क्या इसमें परफॉर्मेंस का इशू आता है? तो आपके सामने बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल पे। ये जो ऐप है ये फ्लटर फ्रेमवर्क में क्रिएट किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सॉलिड परफॉर्मेंस इसका होगा, ठीक है। तो फ्लटर फ्रेमवर्क को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें पहला ऐप अपन रन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और मेरे वीडियो को अगर पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोज़ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। तो गाइस देखते हैं कि फ्लटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और रन करते हैं अपना पहला ऐप। यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे इंस्टॉलेशन के, इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब आपका सपोज़ विंडोज़ सिस्टम है तो आप विंडोज़ में जाके यहाँ से आप फ्लटर के लिए जो भी फ्रेमवर्क है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और ये स्टेप्स को आप फॉलो कर दीजिए। जैसे उसको जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके उसके पाथ को भी आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही मैक ओएस के लिए मेरे इसमें ये वाला इंस्टॉल्ड है, फिर ये डाउनलोड होने के बाद मैंने उसे अनजिप करके अपना पाथ जो है वो आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है कि पाथ को कैसे अपडेट कर किया जाता है, तो आप क्विकली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू अपडेट द पाथ इन विंडोज़, या फिर एक मिनट का काम रहता है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा। कंट्रोल पैनल में, एडवांस में, एनवायरमेंट वेरिएबल्स में एडिट करके वहाँ पर आप इसको पाथ को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर मैं क्रिएट करूँगा डाउनलोड्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फ़ोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ फ्लटर ऐप नाम्स, इसको मैं विजुअल स्टूडियो में ओपन करता हूँ, ठीक है। अब टर्मिनल में हम जाएंगे, यहाँ पे टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल, ये एडिटर, ये विजुअल स्टूडियो एडिटर है, ठीक है। अगर आपके इसमें ये भी इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ से आप इस एडिटर को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका अगर विंडोज़ सिस्टम है तो आप विंडोज़ के लिए, मैक है तो मैक के लिए, ठीक है। ये एक सिंपल प्रोसेस है, आप देखकर कर सकते हैं। अब इसको, अब हम हमारा फर्स्ट ऐप क्रिएट करेंगे, फ्लटर क्रिएट माय ऐप, ठीक है। ये कमांड आपको रन करना होता है जिस, और ये ऐप के नाम पर आप जो भी ऐप आप देना चाहें वो दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोडजीफाई ऐप दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोडजीफाई अंडरस्कोर ऐप के अंदर हमारे सारे फाइल्स अभी अवेलेबल है। अब फ्लटर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं ये आप चेक करने के लिए आपको फ्लटर डॉक्टर ये कमांड रन करना होता है, फ्लटर डॉक्टर। इससे आपको ये बता देगा पूरा एनालाइज करके कि आपके इसमें रिक्वायर्ड सिस्टम जो भी उसे सॉफ्टवेयर्स लगते हैं वो अवेलेबल है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सिर्फ वेब ऐप बनाना है तो क्रोम ब्राउज़र आपके इसमें इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपको एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करना है तो आपके इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होना चाहिए, और अगर आपको iOS ऐप बनाने हैं तो Xcode इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। कोड यही रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे iOS के लिए भी उसने प्रोजेक्ट हमारे लिए डिज़ाइन किया हुआ है, वैसे ही एंड्रॉयड के लिए भी, वेब के लिए भी। अब ये एक यहाँ पे इन्होंने ऐप क्रिएट किया है। सबसे पहले आप इसमें जाएंगे लिब फोल्डर में, lib, इसमें मेन डॉट डार्ट नाम की एक फाइल है, इस पर मैंने क्लिक किया, और कोड को मैं अभी कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। इसको हम रन करके देखते हैं कि किस तरीके से ऐप डिज़ाइन हुआ है। तो मैं रन करूँगा फ्लटर रन। अब पहली बार जब आप रन करेंगे ना फ्लटर रन, तो आपको अगर ये एरर आता है नो pubspec.yaml फाइल फाउंड, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो प्रोजेक्ट का नाम है उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना होता है। जैसे कोडजीफाई ऐप हमने क्रिएट किया, तो मैं यहाँ पे कोडजीफाई अंडरस्कोर ऐप में जाऊँगा। अब मैं रन करूँगा फ्लटर रन। अब जो एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स है उन्हें तो ये पता ही होगा, लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए ये सब चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक वेब ऐप ओपन हो चुका है यहाँ पे क्रोम पे। अब ये काउंटर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐप क्रिएटेड है,
यही ऐप आप मोबाइल में भी रन कर सकते हैं, एंड्रॉयड iOS बोथ, और एक डेस्कटॉप ऐप में भी। और इसका जो कोड है वो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे उन्होंने एक विजेट क्रिएट किया हुआ है, टेक्स्ट विजेट, इसमें टेक्स्ट काउंटर है जहाँ पे वो काउंटर वहाँ पे प्रिंट हो रहा था ना ऐप में, ये वाला काउंटर, ये ऐसे उन्होंने पूरा UI डिज़ाइन किया हुआ है। तो यही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं कि ये विजेट्स और कौन से अवेलेबल होते हैं, टेक्स्ट विजेट, कॉलम विजेट, रो विजेट, ऐप बार, स्कैफोल्ड, ये सारे विजेट्स इसमें अवेलेबल है। उनका पर्पस क्या है, मोबाइल ऐप्स में उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हम इस पूरे सीरीज़ में कवर करेंगे। आई होप कि आपको एक बेटर आइडिया लग गया होगा कि फ्लटर को इंस्टॉल करके ऐप को रन कैसे किया जाता है, और ये सारे डिवाइसेस में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ बनाने वाला हूँ फ्लटर पे, जिसमें हम एक ऐप क्रिएट करेंगे जो हम वेबसाइट, मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप, इन तीनों डिवाइसेस पे रन करेंगे, और सारी चीज़ें सीखेंगे एक ऐप के थ्रू कि क्या क्या चीज़ें लगती है एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट ऐप बनाने में, ठीक है। इस सीरीज़ को कम्प्लीटली फॉलो करें। इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। फ्लटर विजेट्स को समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। सपोज आपको एक व्हाट्सअप के जैसा एक ऐप डिज़ाइन करना है। जब आप ये ऐप डिज़ाइन करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि यार ये जो प्रोफाइल इमेज हम ऐड करते हैं इसको कैसे ऐड करेंगे, वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नेम हम ऐड करते हैं उसको कैसे ऐड करते हैं, उसके नीचे हमें एक टेक्स्ट ऐड करना है जैसे वहाँ पे लास्ट सीन दिखना चाहिए तो वो कैसे ऐड होगा, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स जो हम देखते हैं ऐप में, ये सारी चीज़ें कैसे ऐड होती है। इन सभी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए ही मोबाइल ऐप्स में फ्लटर विजेट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इमेज आप देखते हैं ना व्हाट्सएप ऐप में, इसको हम बोलते हैं इमेज विजेट। जो नेम हम देखते हैं इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट विजेट। उसके नीचे जो लास्ट सीन का एक लेबल है उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट विजेट। और एक के नीचे एक जो कॉन्टैक्ट एडिट है, इन सबको हम एक लिस्ट व्यू में ऐड करते हैं, उसको हम बोलते हैं लिस्ट व्यू विजेट। आई होप कि आपको एक बेसिक क्लैरिटी आ रही होगी कि किस तरीके से विजेट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे विजेट्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल कि आप व्हाट्सएप ऐप में स्टेटस का एक टैब देख सकते हैं, उसमें एक कॉल्स का टैब रहता है, एक ग्रुप्स का टैब रहता है, राइट, एक मैसेज का बटन रहता है नीचे। इन सब के लिए कुछ ना कुछ एक विजेट फ्लटर में डिज़ाइन किया हुआ है। इन सारे चीज़ों को इस वीडियो में स्टडी करेंगे और प्रैक्टिकली इस ऐप को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये ऐप रन होता है और विजेट्स का यूज़ करके इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और मेरे वीडियो को अगर पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। अब गाइस देखते हैं कि कौन से ऐसे विजेट्स अवेलेबल है जो आपको पता रहने चाहिए एक मोबाइल ऐप डिज़ाइन करने के लिए। अब इन विजेट्स को स्टडी करने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है कि स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट में क्या डिफरेंस है। अब एक होता है स्टेटलेस विजेट, इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऐप है आपके सामने जिसमें राम, श्याम और घनश्याम, ये तीन कॉन्टैक्ट्स एडेड हैं। अब हमें ये पता है कि इस ऐप में ये नाम कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये जो ऐप आपको यहाँ दिख रहा है इसमें ये तीन नाम ही रहेंगे, इसमें और कोई कॉन्टैक्ट ऐड ही नहीं होगा, ये स्टैटिक ऐप है। तो इसको हम बोलेंगे स्टेटलेस विजेट, क्योंकि इसमें कोई स्टेट नहीं है, ये चेंज नहीं होगा, ये एक स्टैटिक ऐप है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे स्टेटलेस विजेट। वही अगर हम स्टेटफुल विजेट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप देखेंगे ऊपर एक ऐड यूज़र का बटन दिया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें और मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स भी ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ये डायनामिकली चेंज होगा। वहाँ पे मैं अगर न्यू यूज़र ऐड करूँगा तो इस लिस्ट में वो कॉन्टैक्ट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस एक स्टेटलेस और एक स्टेटफुल विजेट के बीच में। इन दो कैटेगरीज में ही आपको कोई भी ऐप डिज़ाइन करना रहता है, राइट। या तो आप एक स्टैटिक ऐप डिज़ाइन करेंगे जिसमें लिस्ट डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल एक ग्रॉसरी ऐप है, ठीक है, उसमें आपको जो भी आपकी ग्रॉसरी है, जो भी सब्जियां आपको ऐप में डालनी है वो ऐप में आपने डाल के रख दी है, अब उसको आप चेंज नहीं करेंगे, उस केस में आपको स्टेटलेस विजेट काम आएगा। वहीं आपके सामने जैसे फेसबुक जैसा ऐप है, इंस्टाग्राम रील्स जैसा ऐप है जिसमें मल्टीपल रील्स रोज ऐड होते रहते हैं, उस केस में आपको स्टेटफुल विजेट करना है, क्योंकि उसमें डायनामिक होगा, सब चेंज होते रहेगा। अब देखते हैं कि टेक्स्ट विजेट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। उसमें टेक्स्ट विजेट तो जैसे आपको समझ गया कि व्हाट्सअप में जैसे वहाँ पे कॉन्टैक्ट का नेम रहता है उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट विजेट, राइट। कभी भी आपको मोबाइल ऐप्स में टेक्स्ट ऐड करना है तो आपको टेक्स्ट विजेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेक्स्ट विजेट को डिज़ाइन करने के लिए ये कोड यूज़ किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट है जिसमें मैंने हेलो वर्ल्ड उस टेक्स्ट को असाइन किया है, ठीक है।
और वहाँ पे स्टाइलिंग मैंने दी है कि उसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, उसमें अंडरलाइन करना है, अलाइनमेंट्स, वो सब चीज़ें उस स्टाइलिंग पार्ट में होती है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे बनाते हैं, बस अभी हम एक बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं विजेट्स का कि कैसे वो दिखते हैं, मतलब कोड उसका कैसे दिखता है, राइट। इसके बाद आता है इमेज विजेट। इमेज विजेट को ऐड करने के लिए आपको इमेज डॉट एसेट यूज़ करना पड़ता है, राइट। एसेट में बस आप इमेज का नाम नेम दे दीजिए, वो इमेज वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ये होता है इमेज विजेट। लिस्ट व्यू विजेट, जैसे कि मैंने बताया था व्हाट्सएप में मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स जो रहते हैं वो एक लिस्ट में एडेड है, ऐसे ही आपको कभी भी लिस्ट क्रिएट करनी है मोबाइल ऐप में तो उस केस में आपको लिस्ट व्यू विजेट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसका कोड है, जैसे कि आप देख सकते हैं लिस्ट व्यू में एक चिल्ड्रन है, उस चिल्ड्रन के अंदर हमने सारे जो भी हमें लिस्ट में चाहिए वो ऐड की है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आइटम 1 है, आइटम 2, आइटम 3, ऐसे कितने भी आइटम्स आप ऐड कर सकते हैं। अब ये डायनामिक है तो ये किसी API के थ्रू आएंगे, मतलब कोई API हम कॉल करेंगे जहाँ पे ये सब डेटा स्टोर्ड है, वहाँ से हम इसको कॉल करके यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए लिस्ट व्यू बिल्डर और ये सब चीज़ें रहती है, तो ये धीरे धीरे हम एक्सपैंड करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। बस अभी आपको एक इंट्रोडक्शन मुझे देना है कि फ्लटर विजेट्स कैसे दिखते हैं, कौन से रहते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे हम एडवांस चीज़ों की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक होता है स्कैफोल्ड विजेट। स्कैफोल्ड विजेट मतलब क्या, जब कोई भी ऐप आप ओपन करते हैं तो टॉप में आपको एक नेविगेशन बार दिखता है, राइट। उसमें एक बैक बटन रहता है, ऐप का नेम रहता है, या फिर उस पेज का नेम रहता है, तो उस केस में आप स्कैफोल्ड विजेट यूज़ करते हैं, ठीक है। एक स्कैफोल्ड है, उस स्कैफोल्ड के अंदर एक ऐप बार मैंने ऐड किया जो हेडर में ऐसे दिखता है, वहाँ पे बैक और उसका ऐप का नेम और उसमें बॉडी दी है टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, तो बीच में एक सेंटर में एक हेलो वर्ल्ड वहाँ पे दिखेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने सेंटर विजेट भी यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप चीज़ों को अगर बारीकी से देखेंगे ना तो हर चीज़ इसमें एक विजेट नाम से डिज़ाइन की हुई है। तो सेंटर विजेट के अंदर मैंने टेक्स्ट ऐड किया तो वहाँ पर वो टेक्स्ट को सेंटर में ऐड करेगा, राइट। फिर होता है कंटेनर विजेट। अब ये जो कंटेनर विजेट है इसको हम एक बॉक्स की तरह देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको HTML में पता है तो वहाँ पे div यूज़ करते हैं, div टैग एक बॉक्स बनाने के लिए, वैसे ही यहाँ पे एक कंटेनर विजेट रहता है। तो कंटेनर विजेट में आप हाइट, उसकी विड्थ, उसका बैकग्राउंड कलर जो भी आपको सेट करना है आप कर सकते हैं। इसमें इस कंटेनर में, इस बॉक्स में आप मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपको एक इमेज ऐड करना है, उसमें टेक्स्ट और उसमें एक सब टेक्स्ट ऐड करना है, तो उस केस में आपको कंटेनर विजेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, जो लाइट येलो कलर का एक बॉक्स है उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें मैंने ऐड की हुई है, तो इन सब चीज़ों को ही बोला जाता है कंटेनर विजेट। कंटेनर विजेट के अंदर मैंने एक इमेज ऐड की है और एक टेक्स्ट और एक सब टेक्स्ट ऐड की हुई है, ठीक है। ऐसे लिस्ट व्यू में मैंने मल्टीपल कंटेनर्स बनाए हैं। एक लिस्ट व्यू में जिसमें मल्टीपल चीज़ें दिखती है उसमें एक कंटेनर में पहले राम, फिर दूसरे कंटेनर में श्याम, फिर तीसरे में घनश्याम, ऐसे लिस्ट व्यू में कंटेनर्स एडेड है। फिर आता है एलिवेटेड बटन विजेट। अब बटन्स तो कॉमन चीज़ है, कोई भी ऐप में, कोई भी मोबाइल ऐप में या फिर वेब ऐप में आप देख सकते हैं कि बटन्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जैसे बाय नाउ, ऐड टू कार्ट, ये बटन्स को ऐड करने के लिए एलिवेटेड बटन विजेट है जिसका यूज़ करके आप बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बटन विजेट भी अवेलेबल है, पर एलिवेटेड बटन विजेट में एनिमेशंस और मटेरियल डिज़ाइन जो रहता है, यानी उसमें कुछ इफ़ेक्ट्स उसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहते हैं, तो वो बेस्ट माना जाता है। तो एलिवेटेड बटन को ऐड करने के लिए आप एलिवेटेड बटन और उसमें जो भी आपको एक्शन देना है बटन क्लिक पे, तो वो आप ऐड कर सकते हैं ऑन प्रेस्ड इवेंट पे। चाइल्ड में आप उस बटन का नेम भी दे सकते हैं, राइट। फिर आता है रो विजेट। अब रो विजेट क्या होता है, जो व्हाट्सअप का जो एग्जाम्पल था ना उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसमें एक इमेज था और एक नेम था और एक सब टेक्स्ट था, ठीक है। अब ये जो हमने डिज़ाइन किए थे ना इमेज और राम के नीचे लास्ट सीन, इसको है ना मैं ऐसे डिवाइड कर दूंगा। जब भी मैं मोबाइल ऐप डिज़ाइन करता हूँ तो उसमें एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एक रो है, ठीक है। उस रो में दो आइटम्स है, एक है इमेज और एक है दूसरा कॉलम विजेट। उस कॉलम विजेट के अंदर दो चीज़ें एडेड है, एक है नेम जो कॉन्टैक्ट का नेम है, उसके नीचे लास्ट सीन। तो ये दो आइटम कॉलम में एडेड है और दो आइटम रो में एडेड है, जैसे इमेज और ये एक कॉलम, और इस कॉलम में दो और डिफाइंड है, इसको बोलते हैं रो विजेट एंड कॉलम विजेट। तो कभी भी आपको दो आइटम एक रो में चाहिए तो उसके लिए रो विजेट, और मल्टीपल आइटम्स एक के नीचे एक आपको चाहिए तो उस केस में आपको कॉलम विजेट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। कॉलम विजेट को डिफाइन करने के लिए आपको कॉलम और उसमें चिल्ड्रन ऐड करके एक एरे वहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आप कितने भी आइटम्स ऐड कर सकते हो। तो वो कॉलम विजेट के आइटम्स कैसे दिखेंगे, वन बाय वन ऐसे। एक होता है साइज्ड बॉक्स विजेट।
सपोज आपको एक नेम आपने ऐड किया, उसके नीचे कुछ स्पेसिंग चाहिए, आपको एक एक्स्ट्रा स्पेसिंग चाहिए कि सेकेंड आइटम उससे अटैच नहीं हो जाए, तो बीच में आप स्पेस ऐड करने के लिए साइज बॉक्स विजेट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप बस हाइट दे देंगे तो उतनी वो स्पेस वहाँ पे ऐड कर देगा। जैसे मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया, उसके भी नीचे एक साइज बॉक्स ऐड किया 5 का, उसको हाइट मैंने 5 दे दी, वहाँ पे 5 पिक्सल की एक स्पेस आ जाएगी। उसके नीचे मैं एक पैराग्राफ ऐड करूँगा, उसके नीचे एक साइज बॉक्स, तो ऐसे वो स्पेसिंग वहाँ पे डिफाइन कर देता है। और एक होता है पैडिंग विजेट। अब आपको पैडिंग के बारे में तो पता ही होगा कि चारों साइड से अगर मुझे स्पेस देना है एक बॉक्स को, तो उस केस में हम पैडिंग विजेट यूज़ करते हैं। उसमें आप एज इंसर्ट्स डॉट ऑल दे देंगे तो वो चारों साइड से वो स्पेसिंग ऐड कर देता है। वैसे आप लेफ्ट टॉप राइट बॉटम भी ऐड कर सकते हैं। पैडिंग में आप चाइल्ड विजेट में जो भी आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। उसमें फिर लिस्ट व्यू भी हो सकता है, कंटेनर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, बटन भी। इससे हमको ये समझ में आता है कि एक विजेट के अंदर मल्टीपल विजेट्स भी ऐड हो सकते हैं। जैसे एक कंटेनर में टेक्स्ट भी ऐड हो सकता है, इमेज भी ऐड हो सकती है, उसमें बटन भी ऐड हो सकता है। अब गाइस एक ऐप बिल्ड करके ही देखते हैं कि किस तरीके से इन विजेट्स को फ्लटर ऐप में लिखा जाता है और उसको रन किया जाता है, ठीक है। तो जो अभी हमने ऐप देखे उसी को हम डिज़ाइन करते हैं फ्लटर में, ठीक है। अब गाइस देखते हैं कि ऐप को कैसे डिज़ाइन करें। तो सबसे पहले आपको लिब फोल्डर में जाना है, मेन डॉट डार्ट नाम की एक फाइल रहती है, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो मेथड कॉल होती है यहाँ पे होती है मेन मेथड। इस मेन मेथड में आप देख सकते हैं यहाँ पे रन ऐप है, यहाँ से ही सब पूरा जो भी खेल है शुरू होता है ऐप का। फिर इसमें हमने माई ऐप एक क्लास डिज़ाइन की हुई है, मतलब ये कोड ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल रहता है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है कि कहाँ से क्या कॉल हो रहा है। तो माई ऐप से हमने एक होम पेज कॉल किया, इस होम पेज में हमने एक स्टेट क्रिएट की हुई है, होम पेज स्टेट। इस होम पेज स्टेट में ये बिल्ड मेथड है, यहाँ से जो भी हम डिज़ाइन करेंगे वो सब चीज़ें आपको ऐप में दिखेगी। ये कोड मैंने अभी ऐड किया हुआ है। अब इसमें विजेट्स को कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ें अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले इसको रन करता हूँ मैं। तो रन करने के लिए न्यू टर्मिनल में हम जाएंगे और यहाँ पे codesify_app लिखेंगे, ठीक है, फ्लटर रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फ्लटर रन करने में आपको ये ऐप दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे काउंटर इंक्रीमेंट होता है, इस तरीके से ऐप्स को रन किया जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको एक टेक्स्ट विजेट ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए जो भी ये बिल्ड मेथड है इसमें सबसे पहले हम एक टेक्स्ट विजेट को ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट विजेट में हमने देखा था कि कैसे ऐड होता है। यहाँ पे हम जो भी आपको टेक्स्ट का नेम देना है वो हम देखेंगे, वो देंगे, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ codesify.com, ठीक है। इस टेक्स्ट को हमको स्टाइल करना है, मैं स्टाइल में लिखूँगा टेक्स्ट स्टाइल। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे सजेशंस आपको सारे मिल जाते हैं। तो टेक्स्ट स्टाइल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे फॉन्ट साइज़ है, लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट वेट, इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो मैं सपोज़ यहाँ पे फॉन्ट साइज़ देता हूँ 22-23, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट ऐड करता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ फॉन्ट वेट। तो आप देखेंगे कि सारे वेट्स आपके पास अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड हम यूज़ करेंगे और रन करने के लिए आपको सिर्फ टर्मिनल में कर्सर लाना है और आर आपको लिखना है, ठीक है। आर मतलब रीलोड, वो हॉट रिस्टार्ट होता है, आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको ऐप को बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आर की को कीबोर्ड पे प्रेस करके आप कोड को रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे codesify.com यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसको कलर हम एक कर देंगे, कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है। कलर्स नाम से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आर में प्रेस करूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट विजेट ऐड हो गया। अब हमारा जो विजेट था वो था राम, ठीक है। और इसको अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये हो गया हमारा राम। अब इसमें हमको एक और विजेट ऐड करना था, राइट। जैसे टेक्स्ट विजेट है, इसमें हमको श्याम भी ऐड करना था, वैसे ही हमको एक घनश्याम भी ऐड करना था, राइट। पर क्या ये रन हो रहा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप सिर्फ एक ही नाम या फिर एक ही विजेट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल विजेट्स चाहिए, जैसे एक के नीचे एक चाहिए, तो हमारे पास है कॉलम विजेट, तो हम यूज़ करेंगे कॉलम विजेट का यहाँ पे, जिसमें मैं
चिल्ड्रन का यूज़ करके यहाँ पे मैं जितने भी आइटम्स ऐड करने हैं मुझे, मैं ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे टेक्स्ट है, तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर मैं कॉमा दे के एक और टेक्स्ट ऐड कर दूँगा, फिर कॉमा दे के एक और टेक्स्ट, ऐसे हम कितने भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ आर से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब इसको राम श्याम कर देंगे, इसको घन श्याम कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया टेक्स्ट विजेट और कॉलम विजेट को कैसे यूज़ करते हैं। वही अगर मैं इसको कॉलम की जगह रो कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये रो में ऐड हुए, राम श्याम और घनश्याम। तो एक लाइन में अगर आपको कोई भी आइटम्स को ऐड करना है तो आप रो यूज़ करें, कॉलम ऐड करना है तो अगर मल्टीपल आइटम्स एक के नीचे एक चाहिए तो कॉलम विजेट यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं स्कैफोल्ड को कैसे यूज़ करें। जैसे मैं यहाँ पे रिटर्न लिखता हूँ, ठीक है। स्कैफोल्ड के अंदर हम लोग ऐप बार को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ऐप बार के अंदर हम ऐप बार ऐड करेंगे, इसमें मैं टाइटल दे देता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हम दे देंगे ग्रुप ऐप, ठीक है। इसको मैं कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, कलर्स डॉट ब्लू। ये हो गया हमारा ऐप बार डिज़ाइन, ठीक है। अब इस ऐप बार के अंदर हमें, मतलब इस स्कैफोल्ड के अंदर हम बॉडी भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ये सब चीज़ें जो हमने लिखी, जैसे ये रो था, ये पूरा का पूरा रो मैं इसमें कॉपी कर देता हूँ इस तरीके से, और स्कैफोल्ड को एक सेमी कोलन दे के हम रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस कितना इजी है ऐप को डिज़ाइन करना। एक स्कैफोल्ड मैंने लिया, सिर्फ एक ऐप बार डिज़ाइन किया, और बॉडी के अंदर जो भी विजेट हमें डिज़ाइन करने हैं हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया ग्रुप ऐप में हमारा, ये नेविगेशन बार भी ऐड हो गया, ठीक है। अब इसको रो की जगह मैं कॉलम कर ही देता हूँ। अब हमें ऐड करना है यहाँ पे एक इमेज, और राम के नीचे लास्ट सीन उसका एक लेबल वहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैं डिज़ाइन करूँगा एक कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हम लोग एक चाइल्ड डिज़ाइन करेंगे, उस चाइल्ड में हम लोग एक रो ऐड करेंगे, ठीक है। उस रो के अंदर हम लोग चिल्ड्रन ऐड करेंगे, उस चिल्ड्रन के अंदर हमें एक इमेज विजेट चाहिए, ठीक है। इमेज डॉट एसेट का यूज़ करके हम वहाँ पे एक इमेज ऐड करेंगे, और एक हमें चाहिए कॉलम विजेट, जिसमें एक टाइटल चाहिए, जिसमें कॉन्टैक्ट का नेम चाहिए। तो वहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट का नेम दे देता हूँ, जैसे राम, ठीक है। कॉन्टैक्ट का नेम चाहिए, और कॉलम के अंदर ही हमें एक और एक टेक्स्ट चाहिए, जिसमें मुझे लिख के चाहिए कि लास्ट सीन बाय राम एट लास्ट सीन 5 मिनट्स एगो, ठीक है। इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा एक कंटेनर यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया। इसको रिमूव कर देता हूँ अभी, इसको रिफ्रेश करके देखेंगे किस तरीके से दिखता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे राम ऐड हो चुका है, लास्ट सीन भी ऐड हो चुका है, यहाँ पे इमेज है। अब इमेज को कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आप जो भी आपका फोल्डर है प्रोजेक्ट का नाम, ये अगर आपने मिस कर दिया, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड मिस कर दिया है कि किस तरीके से हमने एनवायरनमेंट सेटअप किया था फ्लटर को इंस्टॉल करके, ये फोल्डर वगैरह हमने क्रिएट किए थे, तो आप वो एपिसोड देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और कार्ड में भी मैंने लिंक ड्रॉप कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आप फोल्डर का नाम, यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करके, एक इस पर सिलेक्ट करके न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे हम एसेट्स नाम का, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो आपको ऐसे एसेट्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। उसमें इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर मैंने ऐड किया, और सारी इमेजेस मैंने यहाँ ऐड किए हैं, राम की, श्याम की और घनश्याम की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एसेट्स, इमेजेस के अंदर मैं लिखूँगा राम डॉट पी एन जी, इसको रन करेंगे। इसमें रिलेटिव पाथ देना पड़ेगा। अब रन करते हैं इसको रिफ़्रेश करके। अब इसके विड्थ अगर आपको सेट करना है तो आप विड्थ भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे विड्थ मैंने 100 लिया, और हाइट भी मैंने यहाँ पे 100 लिया, ठीक है।
इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि राम नाम की इमेज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा बोल्ड हमें करना है, तो यहाँ पे आपको इसकी स्टाइलिंग चेंज करना पड़ेगा। इस टेक्स्ट इसमें आपको ख्याल में रखना है कि ये जो टेक्स्ट नाम का हमने ऐड किया है ना विजेट, इसके अंदर ही आपको स्टाइल ऐड करना पड़ता है, और यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल। और टेक्स्ट स्टाइल में आपको जो भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉन्ट वेट हमें ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट ऐड कर दूँगा। वैसे ही फॉन्ट साइज़ अगर आपको ऐड करना है तो फॉन्ट साइज़ कोलन जो भी आपको फॉन्ट साइज़ देना है वो आप ऐड कर सकते हैं। इसको रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये बोल्ड में आ गया, ठीक है। अब हमें ये सेंटर में नहीं चाहिए, हमें ये लेफ़्ट साइड में चाहिए, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कॉलम के अंदर क्रॉस एक्स अलाइनमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वैल्यूज यहाँ पे क्रॉस एक्स अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, तो यहाँ से मुझे स्टार्ट में मिलेगा, एंड में अगर लिखेंगे तो एंड में, सेंटर में तो सेंटर में। अब इसको सेव करके रन करते तो हमें ये लेफ़्ट साइड में विजिबल है, ठीक है। अभी हो गया राम का डिज़ाइन, वैसे ही हमें है ना शाम का भी डिज़ाइन चाहिए। तो शुरू कहाँ से हुआ था, इस कॉलम विजेट के अंदर इसकी हायरार्की मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। जैसे यहाँ से सब शुरू हुआ था, ठीक है, ये जो स्कैफोल्ड है ना, इस स्कैफोल्ड से सब कुछ शुरू हुआ। इस स्कैफोल्ड में हमने एक एबार डिज़ाइन किया, ठीक है, उसमें एक बॉडी है, बॉडी के अंदर सारा खेल चालू हुआ, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने एक कॉलम बनाया। अब अगर आप ऐप का जो आर्किटेक्चर है उसको अगर आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक कॉलम विजेट है, ठीक है, उसमें तीन कॉलम्स हैं, ये वन, ये टू और ये थ्री। इस कॉलम विजेट के अंदर यहाँ पे एक रो विजेट है जिसमें एक इमेज है और एक कुछ तो भी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज है और एक यहाँ पे कुछ तो है, और इस कुछ तो में एक टेक्स्ट है जिसमें राम नाम है, और उसके नीचे एक लेबल है लास्ट सीन का, ठीक है। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमने यूज़ किया कॉलम विजेट। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इस कंटेनर के अंदर, इस बॉक्स के अंदर एक इमेज है और एक कॉलम विजेट है, उस कॉलम विजेट के अंदर एक राम है और एक ये टेक्स्ट है। सिमिलरली इस सेकंड कंटेनर के अंदर यहाँ पर एक इमेज है और एक कॉलम विजेट है, उस कॉलम विजेट के अंदर एक नाम है और एक लास्ट सीन है, वैसे ही तीसरा। और ये जो तीनों कंटेनर है ये एक कॉलम विजेट में एडेड है, ठीक है। और यहाँ पे टॉप में एक ऐप बार है, वही चीज़ हमने यहाँ पे डिज़ाइन की है। तो सबसे पहले मैंने एक कॉलम विजेट लिया जिसमें मैंने तीन कंटेनर ऐड किए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कंटेनर डिज़ाइन किया हुआ है। उस कंटेनर के अंदर मैंने चाइल्ड में एक रो ऐड की जिसमें एक इमेज मैंने ऐड की चिल्ड्रन में, और एक कॉलम विजेट ऐड किया। अब इस कॉलम विजेट में हमें और चिल्ड्रन चाहिए जिसमें एक टेक्स्ट है और एक दूसरी भी टेक्स्ट है, ये देख सकते हैं आप, एक ये टेक्स्ट है और एक ये दूसरी भी टेक्स्ट है। तो ये हमारा एक कंटेनर डिज़ाइन हुआ। अब हमें ऐसे और तीन और दो कंटेनर लगेंगे, राइट। तो मैं इस कंटेनर को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे ये कमेंट्स है ना बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लिख के आ जाते हैं, तो आपको ब्रैकेट्स को फाइंड करने में बहुत ईजी हो जाएगा। सिर्फ आपको इस कंटेनर के नीचे और कंटेनर चाहिए तो आप यहाँ पर कॉपी कर देंगे, वैसे ही एक और चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक राम हो गया, एक शाम हम बनाएंगे और एक गन शाम हम करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे नेम हम चेंज करेंगे शाम, और यहाँ पे गन शाम ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि इंट्रो सेशन में हमने जो ऐप देखे थे वो इस तरीके से हम विजेट्स की मदद से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें सपोज़ आपको राम और लास्ट सीन के बीच में कोई स्पेस चाहिए, तो उसके लिए आपको जैसे राम और ये लास्ट सीन के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पे साइज्ड बॉक्स का यूज़ करके हाइट एक यूज़ करके यहाँ पे 10 दे देंगे, तो ये हम शाम में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, इसको कॉमा यहाँ देना होगा। ऐप के डिज़ाइन के ऊपर आप जो भी आपको स्पेसिंग देना है आप दे सकते हैं, ठीक है। इसको मैं 10 ही कर देता हूँ ऐसे। तो ये होता है साइज्ड बॉक्स का विजेट। अब अगर आपको सपोज पैडिंग ऐड करना है
तो पैडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये कंटेनर है तो कंटेनर में मैं पैडिंग लिख के एज इंसर्ट्स डॉट ऑल का यूज़ करके चारों साइड से स्पेसिंग ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ तो एक स्पेस ऐड हुई, वैसे ही आप हर कंटेनर में ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाता है। यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं, घनश्याम में ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे ऐड करेंगे, देखेंगे। देखिए आप थोड़ी सी पैडिंग चारों साइड से ऐड हो चुकी है। इस तरीके से आप कॉलम विजेट, रो विजेट, टेक्स्ट विजेट, पैडिंग का विजेट, इमेज एसेट, इमेज विजेट, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके एक ऐप को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको और अच्छी तरीके से सीखने के लिए आपको ये ऐप मेरे साथ डिज़ाइन करते जाना होगा। इसी को ही हम एक्सपैंड करेंगे, यहाँ पे एक बटन ऐड करेंगे, इस पर क्लिक करने पे इसकी प्रोफाइल पूरी ओपन हो जाएगी। उसमें हम डिटेल्स ऐड करेंगे, उसका एजुकेशन, एक टेक्स्ट फील्ड, और डायनामिकली चीज़ों को चेंज करने का कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करें और प्रैक्टिस करते जाएँ साथ साथ कि विजेट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। आई होप कि आपको फ्लटर विजेट्स के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कि किस तरीके से ऐप्स को डिज़ाइन हम करते हैं। ठीक है, फ्लटर ट्यूटोरियल की एक सीरीज़ में प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसमें ये सेकेंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हमने इंस्टॉलेशन पार्ट देखा था और इस एपिसोड में हमने फ्लटर विजेट्स की मदद से एक ऐप डिज़ाइन किया। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि नेविगेशन कैसे किया जाता है, मतलब उस वहाँ पे एक राम का जो एक बॉक्स बन गया उस पर क्लिक करने पे मुझे उसकी प्रोफाइल वगैरह देखना है, तो वो कैसे होता है, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म कोई भी मोबाइल ऐप के लिए या वेबसाइट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, राइट? इसको फ्लटर में किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, एक ही कोड से आप मल्टीपल डिवाइसेस में इसको रन कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप में भी वर्क करेगा, उसमें एंड्रॉयड आईफोन दोनों आ जाते हैं, वैसे ही वेबसाइट के लिए भी ये काम करेगा और डेस्कटॉप ऐप के लिए भी ये काम करेगा। ठीक है, यूआई किस तरीके से क्रिएट किया जाता है आज अपन इस प्रोजेक्ट में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के दो पार्ट रहने वाले हैं। आज के वीडियो में हम यूआई डिज़ाइन करेंगे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फायरबेस से कनेक्ट करेंगे जिसकी हेल्प से जो भी डेटा हम लॉगिन फॉर्म में एंटर करेंगे वो डेटाबेस में ऐड होगा और उसका यूज़ करके यूज़र को लॉगिन फीचर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसमें गूगल साइन इन और फेसबुक साइन इन के भी मेथड्स हम ऐड कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब तो डेफिनेटली बनता ही है। तो गाइस, स्क्रीन पर डायरेक्ट चलते हैं किस तरीके से यूआई को डिज़ाइन किया जाए और उसको क्रिएट किया जाए। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिप फोल्डर में मेन डॉट डार्ट फाइल में आना है। ठीक है, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है कि फ्लटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और हमने प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया था, तो आप वो वाला एपिसोड देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड में भी ड्रॉप कर दिए, आप वो चेक कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले अभी अगर मैं प्रोजेक्ट को रन करूँ तो हमारा एम्प्टी प्रोजेक्ट है अभी। ठीक है, यहाँ पे ये डिबग जो है फ्लैग, इसको रिमूव करना है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिबग शो चेक्ड पैनर फॉल्स। तो इससे क्या होता है, ये जो डिबग, इसको रिलोड कर लेंगे, जो डिबग वाला यहाँ पे आ रहा था ना बैनर, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग पहले राउट्स को सेट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। पहले यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा लॉगिन फॉर्म है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लॉगिन के लिए कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूँगा कि जब भी हमारे ऐप में लॉगिन ये वर्ड यूज़ हो तो इस पेज पे वो चला जाए। ठीक है, लॉगिन पेज। वैसे ही अगर रजिस्टर हो तो कॉन्टेक्स्ट रजिस्टर पेज पे वो चला जाए। अब ये रजिस्टर पेज और लॉगिन पेज तो हमारे इसमें है ही नहीं, तो हम सबसे पहले वो क्रिएट कर लेंगे। लिब में न्यू फाइल करेंगे, लॉगिन पेज डॉट डार्ट। ठीक है, वैसे ही एक रजिस्टर पेज भी क्रिएट कर देंगे, पेज डॉट डार्ट। तो हमारे दो पेज यहाँ पे रेडी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका पहले सेटअप कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंपोर्ट कर देंगे हम लोग हमारा पैकेज,
फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट, ठीक है। क्लास हम बना देंगे लॉगिन पेज, स्टेटलेस विजेट, इसको ओवरराइड, इसका जो ओवरराइड मेथड है बिल्ड का वो लिख लेंगे, विजेट बिल्ड और यहाँ पर अभी हम रिटर्न कर देंगे कंटेनर। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी हो गया। वैसे ही रजिस्टर पेज का भी हम यहाँ पे रजिस्टर पेज कर देंगे। अब यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने लॉगिन पेज और रजिस्टर पेज को इंपोर्ट नहीं किया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वार्निंग का एक ये दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज डॉट डार्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। वैसे ही रजिस्टर पेज है तो रजिस्टर पेज डॉट डार्ट, यहाँ पे हमें एक मैप बनाना है। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस आपको ऐड करने होंगे। ये हो गया हमारा लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन पेज का सेटअप। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम अपना लॉगिन पेज डिज़ाइन करते। तो यहाँ पर हमें, जैसे कि हमने स्क्रीन में देखे कि यहाँ पे जैसे हेडर इमेज है, ये हेडर इमेज अपने को डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद में एक टेक्स्ट विजेट, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड और ये बटन। तो सबसे पहले हम ये इमेज को कैसे ऐड करते हैं वो देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको है ना डेकोरेशन यूज़ करना होता है कंटेनर का। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर उसमें हम इमेज यूज़ करेंगे, डेकोरेशन इमेज, और इसके अंदर हम इमेज ऐड करेंगे। उसको नाम मैं दे दूँगा इसके एसेट इमेज मेथड से, एसेट्स फोल्डर में इमेजेस में मैंने लॉगिन 4.png इमेज का नाम ऐड किया है। ठीक है, तो ये एसेट्स का फोल्डर मैंने ऐड किया खुद से, उसमें इमेजेस फोल्डर क्रिएट किया। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू फोल्डर। ठीक है, उसमें मैंने ये इमेज ऐड की हुई है लॉगिन 4.png, ये वाली इमेज। इस इमेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दी है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा इमेज का जो इशू था वो सॉल्व हो गया। अब इसको रन करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि इमेज इस तरीके से दिख रही है। अब इसको हमको फुल स्क्रीन अगर लाना है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिट यूज़ करना होगा, फिट बॉक्स कवर लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज पूरी फिट हो चुकी है। अब हम ऐड करेंगे स्कैफोल्ड। तो कंटेनर की चाइल्ड प्रॉपर्टी में हम लोग स्कैफोल्ड ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट। अब इसमें हम बॉडी ऐड कर देंगे, बॉडी में स्टैक विजेट, इसकी चिल्ड्रन में ऐड करेंगे हम लोग सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। कोई फ़ोन अगर छोटी रही और उसका कंटेंट अगर फिट हो गया मोबाइल में तो वो स्क्रॉल हो जाएगा, तो उसके लिए सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू हम यूज़ कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम लोग चाइल्ड ऐड कर देंगे, एक कंटेनर, फिर उसमें चाइल्ड क्रिएट कर देता हूँ, उसको कॉलम विजेट में ऐड कर देते हैं अपन। ठीक है, चिल्ड्रन। अब सबसे पहले हमें टेक्स्ट चाहिए हेलो, सॉरी वेल, सबसे पहले जो टेक्स्ट हमें चाहिए वो चाहिए वेलकम बैक। ठीक है, तो वेलकम बैक का यूज़ करके हम लोग उसको तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम बैक आ चुका है, पर हमें उसका स्टाइलिंग थोड़ा सेट करना पड़ेगा प्रॉपर। तो स्टाइल के लिए आपको टेक्स्ट की स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा, टेक्स्ट स्टाइल कलर कलर्स डॉट ब्लैक उसको दे देते हैं। ठीक है, और फॉन्ट साइज हम यूज़ कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं उसको,
इस तरीके से। अब यहाँ पे है ना हमें पैडिंग ऐड करना होगा, क्योंकि ये हमें है ना थोड़ा बीच में चाहिए, मतलब इस जगह पे, तो उसके लिए हम लोग पैडिंग यूज़ कर लेंगे। तो पैडिंग के लिए जैसे कि हमें पता है यहाँ पे एज इंसेट्स डॉट ओनली, टॉप से हमें, अब हम यहाँ पे है ना डायरेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे 120 अगर मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, तो वो टॉप से पैडिंग हमें दे देगा। अब हर मोबाइल फ़ोन का साइज़ तो अलग अलग रहेगा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन का साइज़ इतना है हाइट, सैमसंग का हाइट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में हमारे ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 120, ये बराबर सूट नहीं होगी, ये वेलकम बैक कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, किसी फ़ोन में यहाँ दिखेगा। तो अगर हमें इसको फिट करके रखना है तो हमें इस स्क्रीन की हाइट पहले निकालना पड़ेगा, यहाँ से लेके ये पूरी हाइट निकाल के फिर उसका जो टॉप है वो हमें यहाँ पे सेट करना होगा। तो उसके लिए हम मीडिया क्वेरी का यूज़ कर लेंगे। तो पैडिंग में टॉप में 120 की जगह देने के बजाय मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी यूज़ कर देता हूँ ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब कौन से स्क्रीन की हाइट हम लेना चाहते हैं उसकी हाइट हम निकाल के सेट कर देंगे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अब हमें राइट और लेफ़्ट से भी थोड़ी सी पैडिंग चाहिए, तो हम लोग उस वो भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। जैसे राइट से मैं यहाँ पे 35 कर देता हूँ और लेफ़्ट से 35। ठीक है, तो ये प्रॉपर यहाँ पे वेलकम बैक हमारा आ चुका। अब हम देखते हैं कि ईमेल टेक्स्ट फील्ड कैसे ऐड करें। ठीक है, और वेलकम बैक लेबल तो हमारा आ गया। अब टेक्स्ट फील्ड ऐड करने के लिए टेक्स्ट फील्ड विजेट यूज़ करेंगे, उसको डेकोरेशन कर लेंगे अपन, इनपुट डेकोरेशन, उसका जो प्लेस होल्डर है वो सेट कर देते हैं हिंट टेक्स्ट से, उसको मैं नाम दे देता हूँ ईमेल। ठीक है, उसका कलर हिंट स्टाइल से सेट कर देंगे टेक्स्ट स्टाइल कलर कलर्स डॉट ब्लैक। ठीक है, तो इससे जो प्लेस होल्डर है उसका कलर ब्लैक ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। इस तरीके से हमारा ईमेल लेबल, ईमेल नाम का टेक्स्ट फील्ड हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, पर अब प्रॉब्लम ये है कि इसका जो बॉर्डर है वो हमें सेट करना है, तो वो कैसे करेंगे, डेकोरेशन प्रॉपर्टी का ही यूज़ करके। तो सबसे पहले एनेबल्ड बॉर्डर ऐड कर देते हैं, यानी जो पहली बार यूज़र को दिखेगा वो बॉर्डर पहले ऐड कर देते। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर साइट डॉट कलर यूज़ करके, इसकी कलर प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ पे इसको कलर दे देंगे ब्लैक। ठीक है, इसी को ही बॉर्डर रेडियस हमें देना होगा, तो बॉर्डर रेडियस सर्कुलर यूज़ करके 10.0 इसको बॉर्डर दे देते। ये हो गया हमारा एनेबल्ड बॉर्डर इस तरीके से। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखेंगे कि बॉर्डर गायब हो जा रही, तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोकस्ड बॉर्डर भी ऐड कर देंगे। इनपुट डेकोरेशन के अंदर ही हमें ऐड करना होगा, तो यहाँ पर फोकस्ड बॉर्डर ऐड कर देते, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर बॉर्डर साइट इसकी कलर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और इस बार जब वो क्लिक करेगा उसको हम पिंक कलर सेट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस यहाँ पे अप्लाई कर देते, तो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर से हम उसको बॉर्डर दे देंगे, और यहाँ पे एक कॉमा दे देंगे तो वो सेपरेट कर देगा चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब भी क्लिक होगा तो प्रॉपरली वो कलर चेंज कर ले रहा है। अब इसकी जो पैडिंग है वो प्रॉपर सेट नहीं है, ईमेल हमें थोड़ा नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वेलकम बैक है ना इसके नीचे हम एक साइज्ड बॉक्स ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उससे एक पैडिंग उसके, तो उससे क्या होगा बीच में एक स्पेसिंग आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं उसको 120 दे देता हूँ इस तरीके से।
प्रॉपरली वो सेट हो गया। अब हमें ईमेल के जैसे ही एक पासवर्ड भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी को ही हम कॉपी करेंगे टेक्स्ट फील्ड को और यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। इसको टेक्स्ट फील्ड को इसको रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ। अब जैसे कि पता है कि पासवर्ड में हमें टेक्स्ट दिखाई नहीं देती है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट फील्ड का ऑब्स्कर प्रॉपर्टी, ऑब्स्कर टेक्स्ट, इसको मैं ट्रू सेट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी पासवर्ड का आप ऐड करेंगे तो पासवर्ड वहाँ पर विजिबल नहीं रहेगा, वो डॉट डॉट में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये यूज़ होगा। तो ये हो गया हमारे ईमेल और पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड सेट। अब इन दोनों के बीच में भी हमें स्पेसिंग चाहिए, तो उसके लिए हम एक साइज बॉक्स ऐड कर देंगे, साइज्ड बॉक्स, उसकी हाइट सेट कर देते हैं 30। तो प्रॉपर तरीके से ये हमारे टेक्स्ट फील्ड सेट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पे साइन इन बटन और एक ये बटन, ठीक है। यहाँ पे एक आइकन चाहिए और इस पर क्लिक करने पे साइन इन पेज ओपन हो जाए, और वैसे ही साइन अप के लिए एक बटन हमें चाहिए, तो वो क्रिएट कर देते हैं अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साइन इन बटन है और एक आइकन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक रो क्रिएट कर लेंगे और रो के अंदर हम एक ये टेक्स्ट बटन ऐड करेंगे और एक ये आइकन ऐड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी एक रो क्रिएट करेंगे और ये एक बटन रहेगा और ये एक बटन रहेगा, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम कॉलम विजिट में ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। और इस कॉलम विजिट के अंदर ये रो विजिट। अगर फ्लटर विजिट्स को समझने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, तो पिछले एपिसोड में मैंने फ्लटर विजिट्स का एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसमें सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो आप क्रिएट करते हैं रो विजिट, यहाँ पे इसको चिल्ड्रन दे देंगे, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, साइन इन, उसको स्टाइल कर देंगे प्रॉपर। को फॉन्ट साइज मैं दे देता हूँ और फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट वेट डॉट ठीक है। अब इस रो के अंदर पहला हमारा टेक्स्ट रहेगा और दूसरा हमारा एक आइकन रहेगा, तो उसके लिए मैं सर्कल अवतार यूज करूँगा, उसमें हम आइकन ऐड करेंगे, ठीक है। का बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं, ग्रीन कलर का हमें चाहिए। उसमें शेड अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं यहाँ पे शेड 400, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया। अब इसमें हम आइकन ऐड कर देते थ्रू आइकन बटन, आइकन्स डॉट एरो फॉरवर्ड, ये वाला आइकन यूज़ करेंगे हम लोग, और उसका कलर भी सेट कर देते हैं यहाँ पे आइकन का कलर, कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट प्रॉपरली नहीं ऐड किए हुए हमने, तो वो प्रॉपरली आपको ऐड करने हैं, ठीक है। आइकन यहाँ पे ऐड कर दिए, तो ब्रैकेट्स आप प्रॉपरली देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं साइन इन और हमारा ये बटन रेडी है। अब इन दोनों के बीच में हमें स्पेस चाहिए, मतलब ये बटन जो हमें ये राइट में चाहिए। तो रो के अंदर आप है ना मेन एक्सिस अलाइनमेंट यूज़ करके स्पेस ऐड कर सकते हैं दोनों के बीच में, लाइक दिस, ठीक है। अब ऊपर से भी स्पेस चाहिए तो हम साइज्ड बॉक्स यूज़ कर लेंगे, जैसे पहले यूज़ किए थे, लाइक दिस। अब हमारा क्रिएट हो गया, साइन इन और एक आइकन हमने ऐड किए। अब ऐड करते हैं इसमें साइन अप और फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। तो उसके लिए मैं रो क्रिएट करूँगा, चिल्ड्रन
अब इसमें हमें एक टेक्स्ट बटन विजिट लगेगा जिसके ऑन प्रेस्ड इवेंट पे कुछ होगा और यहाँ पे एक चाइल्ड में हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट हमें क्या चाहिए, साइन अप, उसकी स्टाइल में सेट कर दूंगा यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। उसकी स्टाइल में हम उसको अंडरलाइन कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट अंडरलाइन, और कलर उसका सेट कर दूंगा मैं पिंक कलर, ठीक है। फॉन्ट साइज सेट कर देंगे लाइक दिस। सिमिलरली हमें एक और टेक्स्ट बटन लगेगा जिसको मैं बोलूँगा फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं अभी साइन अप और फॉरगॉट पासवर्ड ऐड हो गया। अब इन दोनों के बीच में स्पेस अगर हमें चाहिए तो हम मेन एक्सेस अलाइनमेंट यूज़ करके इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा लॉगिन का पेज डिज़ाइन हो चुका है। अब साइन अप पे हम क्या करेंगे, इसके क्लिक पे हमें रजिस्टर पेज ओपन करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम लोग ऑन प्रेस्ड इवेंट पे जो साइन अप बटन है उसके ऑन प्रेस्ड इवेंट पे हम नेविगेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड, रूट राउट नेम हमने ऑलरेडी सेट करके रखे है रजिस्टर नाम से, ठीक है। तो अगर आपको ये याद होगा तो मेन डॉट डार्ट में मैंने ऑलरेडी सेट किया था रजिस्टर पे, रजिस्टर पेज पे वो रिडायरेक्ट करेगा। सिमिलरली लॉगिन पे, लॉगिन पेज पे वो रिडायरेक्ट करेगा। तो अपना ये जो पहला पेज था लॉगिन का, ये डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अब इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट एन अकाउंट, अब क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा कोड मैं रजिस्टर पे ऐड करूँगा और यहाँ पे रजिस्टर पेज बस क्लास का नेम चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे वेलकम बैक की जगह पे क्रिएट एन अकाउंट इस तरीके से, इसको रन करते तो रजिस्टर पेज में हमें एक ईमेल का भी चाहिए लाइक दिस, नेम ईमेल और पासवर्ड तीन चाहिए। तो एक टेक्स्ट फील्ड और ऐड कर देते हैं, तो इसी कोड को रीयूज़ करके मैं यहाँ पे एक नेम भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है लाइक दिस, और साइज बॉक्स फॉर स्पेसिंग इस तरीके से। अब ये जो नीचे दो बटन है इनको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, आपके डिज़ाइन के बेसिस पे आप उसे जो भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। तो अभी के लिए मैं उसको रिमूव कर देता हूँ और साइन इन की जगह पे यहाँ पे हमें साइन अप क्रिएट करना है, ठीक है। साइन अप, तो ये हुआ हमारा लॉगिन और रजिस्टर पेज का यूआई, ठीक है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको फायरबेस डेटाबेस से कनेक्ट करके इसमें जो भी डेटा हम एंटर करेंगे इस बटन के क्लिक पे वो फायरबेस में ऐड होगा और उसी का यूज़ करके हम लॉगिन भी ऐड करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि गूगल साइन इन और फेसबुक साइन इन किस तरीके से किया जाता है फायरबेस की मदद से, वो प्रोजेक्ट भी हम प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स मोबाइल ऐप में यूज़ करते हैं और किस तरीके से फ्लटर विजेट्स का जो यूज़ किया जाता है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि फायरबेस से उसको कैसे कनेक्ट करें और डेटा को हैंडल करें और उसकी स्टेट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्लटर विजेट्स के कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो पिछले वीडियो को आप ज़रूर चेक करें, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है हर विजेट के बारे में, और जो भी डाउट्स है आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अभी तक हमने ये सब सीखे कि मोबाइल ऐप और वेब ऐप को फ्लटर में कैसे रन किया जाता है, ठीक है। पहले एपिसोड में हमने फ्लटर को इंस्टॉल किए, वहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट मोबाइल ऐप रन किए, ठीक है। उसके बाद हमने देखे कि फ्लटर विजेट्स क्या होते हैं, फ्लटर विजेट्स के बारे में डीप ट्यूटोरियल हमने कवर किया जिसमें हमने हर विजेट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखे, ठीक है। उसके बाद हमने मोबाइल ऐप में रजिस्टर और लॉगिन स्क्रीन क्रिएट किए। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो भी डेटा उस रजिस्टर स्क्रीन पर हम एंटर करेंगे मोबाइल ऐप में वो फायरबेस में कैसे जाके स्टोर होए, उसी डेटा की मदद से हम यूज़र को कैसे लॉगिन करवाएं, ठीक है। तो फ्लटर फायरबेस के इस ट्यूटोरियल में आपको ये सब सीखने मिलेगा कि किस तरीके से फ्लटर और फायरबेस को कनेक्ट किया जाता है
और साथ ही साथ हम फॉरगेट पासवर्ड का फीचर भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ईमेल कैसे सेंड किया जाता है रीसेट पासवर्ड का, और वहाँ से पासवर्ड अपडेट करके फायरबेस में कैसे वो अपडेट होगा, ये सब चीज़ें भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। और मेरे वीडियो को अगर आप पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोज़ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। अब गाइस सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि फ्लटर फायरबेस को कैसे कनेक्ट किया जाता है, इंप्लीमेंट करते हैं फंक्शनैलिटी। फ्लटर ट्यूटोरियल के पार्ट वन में हमने देखा था कि किस तरीके से रजिस्टर और लॉगिन का यूआई क्रिएट किया जाता है फ्लटर में, राइट। तो ये हमने स्क्रीन क्रिएट किए थे जिसमें हमने ईमेल टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड और ये हेडर डाला था, और साइनअप बटन पर क्लिक करने पर रजिस्टर वाला पेज ओपन होता था, राइट। इस वीडियो में अब हम कवर करेंगे कि ये जो भी डेटा यहाँ पे एंटर हो रहा है इसके थ्रू हम फायरबेस में डेटा को ऐड कर सके, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है फायरबेस, ठीक है। जैसे ही आप गूगल पे फायरबेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कंसोल ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना है एक ऐड प्रोजेक्ट, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे डेमो कोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, सिलेक्ट एन अकाउंट, क्रिएट प्रोजेक्ट। अब जैसे ही ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा आपके पास में कुछ सेटिंग्स आएगी फायरबेस की, वो आप लोगों को विजुअल स्टूडियो में ऐड करना है, ठीक है। उन सेटिंग्स के बेसिस पर ही आप जो भी डेटा ऐप में एंटर करेंगे वो फायरबेस डेटाबेस में स्टोर होगा। फायरबेस के ऑथेंटिकेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो गया, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ से एंड्रॉयड चूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एंड्रॉयड पैकेज नेम वो पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एंड्रॉयड में जाके एंड्रॉयड में इस एंड्रॉयड फोल्डर में आपको ऐप में जाके बिल्ड डॉट ग्रेडल ढूंढना है, और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन आईडी सर्च करना है, ठीक है। ऐसे सर्च बॉक्स में आप एप्लीकेशन आईडी सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा com.example.codesify ऐप, यही आपको इसमें एंटर करना है, ठीक है। ऐप का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं अभी के लिए डेमो कोर्सेस ही दे देता हूँ, और यहाँ पे हम रजिस्टर कर देंगे। अब जैसे ही ये रजिस्टर हो गया तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल सर्विसेज डॉट जे एस एन। ये वाली फ़ाइल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी सेटिंग्स है ना फायरबेस से फ्लटर को कनेक्ट करने की वो इसी फाइल में है। तो गूगल सर्विसेज डॉट जे एस एन आपको डाउनलोड करना है, और इसको यहां पे लिखा है स्विच टू प्रोजेक्ट व्यू इन एंड्रॉयड स्टूडियो, मेक श्योर यू डाउनलोडेड गूगल सर्विसेज डॉट जे एस एन फाइल इन टू योर मॉड्यूल ऐप लेवल रूट डायरेक्टरी, ठीक है। तो आपको ये ऐप लेवल की रूट डायरेक्टरी में ऐड करना है। अभी मैंने ये ऐड किया हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एंड्रॉयड में यहाँ पे ऐप लेवल पे इस फाइल को ड्रैग कर देना है, ठीक है। इसमें ये क्योंकि मेरी दूसरी फाइल है तो मैं इसको गूगल सर्विसेज डॉट जे एस एन प्रॉपर नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ऐप के अंदर आपको इस फाइल को डालना है। अगर मैं इसका आपको फोल्डर में दिखाऊं किस तरीके से दिखता है, तो ऐप में गूगल सर्विसेज डॉट जे एस एन आपको इस तरीके से दिखना चाहिए, जिसमें भी बिल्ड डॉट ग्रेडल है बेसिकली, ठीक है। ये एक सेटिंग हो गई। उसके बाद में आपको इसको कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स दिख रही है, ये आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट लेवल प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फाइल में आपको ये वाली लाइन ऐड करना है, गूगल सर्विसेज वाली, ठीक है। तो एंड्रॉयड में रूट लेवल ग्रेडल जो है ये वाला, इसके अंदर वाला नहीं, ये ग्रेडल, इसमें बिल्ड डॉट ग्रेडल है। यहाँ पे आपको ये क्लास पाथ मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो वैसे ही आपको भी यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, गूगल सर्विसेज वाला इस डिपेंडेंसीज में। इसमें से हमने ये वाला कॉपी किया, ठीक है, क्लास पाथ, बस इतना ही कॉपी करना है इसमें से। अब ये जो दूसरा सेटिंग है ये है ऐप लेवल ग्रेडल फाइल में, ठीक है। तो ये कॉपी करेंगे हम लोग,
ऐप लेवल ग्रेडल फाइल में, तो ऐप में जाएंगे हम लोग और इसमें ग्रेडल फाइल ढूंढेंगे, ठीक है। अब इसमें हम सर्च करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, तो लास्ट में यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने ऐड की हुई है जो यहाँ पे दी हुई थी, एक ये वाली इम्प्लीमेंटेशन और ये इम्प्लीमेंटेशन। अब ये होने के बाद आपको नेक्स्ट करना है और कंटिन्यू टू कंसोल। तो इससे क्या हो गया, फायरबेस की जितनी भी सेटिंग्स थी वो हमारी हो गई क्लियर। अब आपको यहाँ पे बिल्ड में जाके ऑथेंटिकेशन को ऑन करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइन इन रजिस्टर एंड लॉग इन करेंगे तो हमें ऑथेंटिकेशन को ऑन करना ज़रूरी है। तो यहाँ से मैंने गेट स्टार्टेड पे किया और मैं ईमेल पासवर्ड यहाँ से एनेबल कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव कर देंगे, ये हो गया हमारा ऑथेंटिकेशन। अब हम फायरस्टोर डेटाबेस को भी एनेबल कर देते हैं। यहाँ से क्रिएट डेटाबेस हम करेंगे और इसको प्रोडक्शन मोड में ही रहने देते हैं, नेक्स्ट और एनेबल कर देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है पर ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे यूज़र्स नाम का, जिसमें जो भी यूज़र को रजिस्टर करेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसको मैं ऑटो आईडी दे देंगे और सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक कलेक्शन भी क्रिएट हो चुका है यूज़र्स नाम का, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फायरबेस की सब सेटिंग्स। अब आपको फ्लटर में फायरबेस को इंस्टॉल करना है, तो आपको यहाँ पे pubspec.yml फाइल में ये चार चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं, क्लाउड फायरस्टोर ये वर्जन हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, फायरबेस ऑथ का ये वाला वर्जन हम इंस्टॉल करेंगे, फायरबेस कोर का ये वाला वर्जन इंस्टॉल करेंगे। इस तरीके से आपको ये पांच चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब आप इसको सेव भी करेंगे यानी कंट्रोल एस भी करेंगे, तो यहाँ पे एक pub.get नाम की फाइल ऑटोमेटिकली कॉल होती है। अगर वो नहीं हो रही है तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं गेट पैकेजेस का एक एरो दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो pub.get रनिंग हो रहा है, ठीक है। अब ये मेरे इसमें मैंने इंस्टॉल किया है तो ये डायरेक्टली हो रहा है, आपके इसमें थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ये सेटिंग आपको करनी है, ठीक है। अब जो भी सेटअप था ना हमारा वो क्रिएट हो चुका है, अब इसको हमको रन करना है, ठीक है। तो आप इसको रन कर सकते हैं फ्लटर रन कमांड से, तो ये हमारा ऐप जो रन हो रहा था। अब फॉर बेटर क्लैरिटी मैं यही कोड को एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आए कि ऐप किस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। एक रियल सिमुलेटर हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे मोबाइल का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च करके अपने सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो पहले इंस्टॉल कर दीजिए ताकि आप रियल मोबाइल सिमुलेटर में उसको रन कर सके, ठीक है। अब यहाँ से आप उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैंने ये एंड्रॉयड स्टूडियो अपने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। इसको जो भी प्रोजेक्ट है इस पर आप फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। ये कोडजीफाई ऐप मेरा फोल्डर का नाम है, मैं इसको ड्रैग कर दूंगा इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो में, बस इतना ही आपको करना है इसमें। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे main.dart फाइल में आना है, ठीक है। पिछले एपिसोड में यहाँ पे आपको माय ऐप दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे stfl स्टेटफुल विजेट यहाँ पे क्रिएट करना है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मेन स्क्रीन, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा विजेट रेडी हो जाएगा। अब इसी को ही यहाँ पे मेन फंक्शन में हम लोग कॉल करेंगे, मेन स्क्रीन यहाँ से हमने कॉल किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो सबसे पहले हमने यहाँ पे रूट्स क्रिएट किए थे ना, राउट्स, वो हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक मटेरियल ऐप क्रिएट किया था, उसमें हम जो बैनर है उसको पहले हटा देते हैं, फॉल्स कर देते हैं इसको। यहाँ पे इनिशियल रूट हमारा था लॉगिन, ठीक है। और हमने यहाँ पे राउट्स क्रिएट किए थे जिनका कॉन्टेक्स्ट हमने ये किया था सेट, ठीक है। ये एक मैप था, यहाँ पे हमने लॉगिन को बोला कि लॉगिन कॉन्टेक्स्ट लॉगिन पेज पे चले जाए, ठीक है। वैसे ही हमने बोला कि रजिस्टर नाम जहाँ पर भी हम ऐप में यूज़ करेंगे तो वो इस पेज पे चला जाए, रजिस्टर पेज पे, ठीक है। इतनी हमने सेटिंग किया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि फायरबेस आपको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको इसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज़ करने के लिए आपको विजेट फ्लटर बाइंडिंग एंश्योर इनिशियलाइज्ड,
तो इससे क्या होगा, वो चेक करेगा, अगर फायरबेस इनिशियलाइज नहीं है तो वो उसको सबसे पहले इनिशियलाइज करेगा, नहीं तो वो ऐप को आगे जाने नहीं देगा। ठीक है, तो ये हमने श्योर कर दिया कि इनिशियलाइज हो जाए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे असिंक लगाना है कि ये टास्क जब तक नहीं होता है, इनिशियलाइज नहीं हो जाता है फायरबेस, तब तक मेन स्क्रीन कॉल नहीं होगी। तो ये असिंक और अवेट के थ्रू आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फ्लटर इनिशियलाइज हो चुका। अब हम आते हैं हमारे रजिस्टर पेज पे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रजिस्टर पेज पे जो भी डेटा हमने यूआई क्रिएट कर दिया था ऑलरेडी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब रजिस्टर पेज पे हमने यूआई डिज़ाइन कर दिए थे, ठीक है, ऐसा यूआई हमने क्रिएट किया था जिसमें नेम, ईमेल और पासवर्ड हमको हम यूज़र से लेते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ है, इन वैल्यूज़ को कैसे हम ले सकते हैं अपने कोड में, वो आप देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोलर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और हम यहाँ पे एक नेम कंट्रोलर क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम जो भी यूज़र यहाँ पे नेम में टाइप करेगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेम कंट्रोलर हमने एक क्रिएट कर दिया। वैसे ही मैं ईमेल और पासवर्ड के भी क्रिएट कर देता हूँ। ईमेल कंट्रोलर के लिए ईमेल कंट्रोलर और पासवर्ड के लिए पासवर्ड कंट्रोलर। ठीक है, अब इसके थ्रू हम जो भी टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमने नेम लिए थे राइट, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको टेक्स्ट फॉर्म फील्ड कर दूंगा मैं, ताकि हम कंट्रोलर प्रॉपर्टी यूज़ कर पाए। कंट्रोलर में हम नेम कंट्रोलर ले लेंगे। ठीक है, वैसे ही ईमेल में हम यहाँ पे सेट कर देंगे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, और कंट्रोलर में यहाँ पर हम लोग ईमेल कंट्रोलर ऐड कर देंगे। वैसे ही आपको पासवर्ड के लिए भी करना है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड कंट्रोलर में पासवर्ड कंट्रोलर। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंट्रोलर सेट। अब जब भी इस बटन पे क्लिक होगा, तो ये बटन हमने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, एलिवेटेड बटन साइन अप। ठीक है, इसके ऑन प्रेस्ड इवेंट पे मैं एक क्रिएट अकाउंट नाम की मेथड कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले क्रिएट अकाउंट मेथड कॉल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम उसको क्रिएट करेंगे, वॉइड क्रिएट अकाउंट। ठीक है, ये क्रिएट अकाउंट की मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ट्राई। ठीक है, अगर ये ट्राई नहीं होता है तो हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन लेंगे, फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन, और उसको कैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ई, और जो भी अगर एरर आता है, कुछ भी हम यहाँ पे जैसे रजिस्टर करेंगे और वैल्यूज़ डालने के बाद कुछ भी एरर आता है, तो यहाँ पे वो एरर प्रिंट कर देगा। अब ट्राई में आपको क्या करना है, जो भी वैल्यूज़ ऐड की हुई है, जैसे नेम है, तो हम उसको नेम कंट्रोलर जो हमने ऊपर क्रिएट किया है उसके थ्रू हम वैल्यू लेंगे और उसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम से क्या होगा, जो भी एम्प्टी स्पेस रहेगी वो प्रॉपरली वहाँ पर डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पर ईमेल हम लेंगे ईमेल कंट्रोलर की मदद से, हम यहाँ पे ईमेल के अंदर जो भी ऐड होगा वो इस वेरिएबल में ऐड करेंगे। सिमिलरली हम पासवर्ड भी ले लेंगे और पासवर्ड कंट्रोलर में उसको ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक फायरबेस ऑथ मेथड हम कॉल करेंगे। ठीक है, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस क्रिएट ईमेल विथ क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। अब ईमेल में क्या ऐड करेंगे, जो भी ईमेल ऐड हुआ, और पासवर्ड में जो भी पासवर्ड यहाँ पे ऐड हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड सेट। बट जो ये नेम है, अब ये कहाँ पे स्टोर होगा, तो इसको पहले रन करके बताता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ram@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। ठीक है, इसको साइन अप करता हूँ। अब इसको अपन देखते हैं यहाँ पे कि ये ऐड हुआ है कि नहीं।
तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में ये राम नाम का जो भी एड्रेस था, ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड हो गया और इसकी यूज़र आईडी ये है, ठीक है। बट अब जो नेम है हमको क्या करना है कि यहाँ पे एक यूज़र्स नाम का जो एक कलेक्शन हम क्रिएट करेंगे, इसको ऑटो आईडी दे देंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो इस यूज़र्स कलेक्शन में वो सारी डिटेल्स भी ऐड हो जाए जो एक्स्ट्रा की है, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे वो अब कवर करते हैं। तो उसके लिए आपको फायरबेस फायर स्टोर का यूज़ करना होगा, क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड फंक्शन है और ये फायर स्टोर से रिलेटेड है। तो इसमें हमने जो एक कलेक्शन है हमारा वो है यूज़र्स नाम का, उसमें हम एक डॉक क्रिएट करेंगे और उसमें हम सेट करेंगे जो भी हमारी डिटेल्स हैं उसको। तो सेट करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट प्रॉपर कवर करने पड़ेंगे आपको इस तरीके से। अब आपको क्या क्या सेट करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे नेम हमें करना है तो हम यहाँ पे नेम से नेम ले लेंगे, ये वाले नेम स्ट्रिंग से। हम यहाँ पे ईमेल भी स्टोर कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे पासवर्ड भी दे सकते हैं लाइक दिस। और आपको अगर डेट भी चाहिए कि कब वो यूज़र क्रिएट हुआ, तो आप वहाँ पे डेट टाइम का यूज़ करके, डेट टाइम डॉट नाउ इसका यूज़ करके यहाँ पे यूज़र की कब यूज़र क्रिएट हुआ वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑथेंटिकेशन तो होगा ही होगा, साथ में ये कलेक्शन भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है तो हम लिखते हैं प्रिंट यूज़र अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ताकि हमें पता चल जाए कि यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है क्रिएट अकाउंट। अब जैसे ही ये क्रिएट अकाउंट यूज़र अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद में हमको उसको लॉगिन पेज पे लेके जाना है, तो वो रिडायरेक्शन का कोड भी हमें यहाँ लिखना होगा। इसको है ना हम लोग को यहाँ पे अवेट करना होगा, इसको मैं असिंक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको सेटिंग पहले करना है, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तब तक ये क्रिएट नहीं होगा, तो ये प्रॉपरली आपको सेट करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, पहले ऑथेंटिकेशन नहीं भी हुआ है तो भी वो यूज़र क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए उसको वेट करना होगा, पहले प्रॉपरली हो जाए सब चीज़ें, फिर वो फायर स्टोर में उसका डेटाबेस क्रिएट करे, राइट। नहीं तो क्या होगा, अननेसेसरी एंट्रीज क्रिएट होती जाएगी। अब यहाँ पे साइन अप करते हैं इसको, sham@gmail.com, साइन अप। पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, तो ये प्रॉपरली यहाँ पे देता है एरर, तो 6 कैरेक्टर्स तो भी आपके होने ही चाहिए। यूज़र अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं sham@gmail.com क्रिएट हो चुका है यूज़र, ये ऑथेंटिकेट हुआ है। अब उसको डेटाबेस में उसके जो नेम वगैरह है वो सारी चीज़ें एंटर हुई है कि नहीं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो sham@gmail.com यहाँ पे एंटर हुआ है, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये 2 बार क्रिएट हुआ लाइक दिस, ठीक है। इसका पासवर्ड हमने ABCDEF रखा है और ईमेल ये रखा है। अब इसके बेसिस पे हमको लॉगिन करना है, तो अब जब ये चीज़ हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगा अकाउंट, तो हमको इसको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको याद होगा नेविगेटर यूज़ किया था, तो पुश नेम्ड यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे जहाँ पे भी उसको भेजना है, तो हम लॉगिन पे भेजेंगे तो वो लॉगिन पे आ जाएगा। अब ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ले नहीं रहा है, राइट। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ करना होगा, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और जहाँ से भी आप ये ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएट अकाउंट मेथड कॉल हो रही है कब, जब ये बटन क्लिक हो रहा है, तो इस बटन पे आपको कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेट करना होगा। अगर आपको रजिस्टर स्क्रीन से लॉगिन स्क्रीन पे जाना है, तो आपको रजिस्टर स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट भेजना होगा जो आपको मिलेगा इस बिल्ड से, ठीक है, इस मेथड से। और अगर आपको लॉगिन से रजिस्टर पे आना है, तो आपको लॉगिन का कॉन्टेक्स्ट सेट करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हमने कुछ भी पास नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कॉल बैक क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पे एक कॉल बैक क्रिएट करते हैं जो हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये एक फंक्शन में क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, जिसके थ्रू आप कॉन्टेक्स्ट ले पाएंगे, जैसे void
फंक्शन हम एक क्रिएट करेंगे इस नाम से, जिसमें कॉन्टेक्स्ट ये रिटर्न करेगा। रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे जो भी हमें हमारी जो मेथड है, जैसे क्रिएट अकाउंट हमारी है उसमें हम कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे ही ये साइन अप बटन क्लिक होगा, यहाँ पे एक कॉल बैक कॉल होगा जिसमें कॉन्टेक्स्ट उसको मिलेगा, और वही कॉन्टेक्स्ट हम इस क्रिएट अकाउंट में पास करेंगे जिसके थ्रू हमें ये कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक यूज़र क्रिएट कर देता हूँ rama@gmail.com और पासवर्ड यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, जब भी यूज़र क्रिएट होगा तो वो हमें यूज़र क्रिएट करने के बाद में लॉगिन स्क्रीन पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यही होता है नेविगेटर का यूज़। और इसके लिए आपको ये कॉल बैक प्रोवाइड करना ज़रूरी है टू गेट दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे यूज़र भी क्रिएट हो गया, ऑथेंटिकेशन में आप देख सकते हैं रामा नाम के यूज़र क्रिएट हो गए। ठीक है, अब ये डबल ए वाला है, ये पहले वाला ए वाला था, तो इसको रिमूव भी कर दिया तो चलेगा। अब हम देखते हैं कि इसको लॉगिन कैसे करना। तो उसके लिए आपको लॉगिन पेज पे आना होगा। ठीक है, तो लॉगिन पेज पे यहाँ पे ये मैं कोड रिमूव कर देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन मेथड यहाँ पे क्रिएट करना है। ये लॉगिन मेथड कब कॉल होगी, जब भी यहाँ पे साइन इन बटन क्लिक होगा। तो लॉगिन मेथड में आपको सबसे पहले असिंक यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल ले लेना है। ठीक है, तो ईमेल के लिए आपको एक ईमेल कंट्रोलर लगेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे ईमेल कंट्रोलर लेते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर होगी वो वैल्यूज़ हमें लेनी होगी। तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के थ्रू हम यहाँ पे ईमेल कंट्रोलर ले लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। सिमिलरली यहाँ पे हम पासवर्ड कंट्रोलर भी ले लेंगे। तो इससे हमें दोनों कंट्रोलर मिल गए। अब आपको यहाँ पे सेटिंग करना होगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। पहले हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया था पहले एपिसोड में, यहाँ पे कंट्रोलर आपको ऐड करना है, ईमेल कंट्रोलर। ठीक है, सिमिलरली टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यहाँ पे आपको एक कंट्रोलर ऐड करना है, पासवर्ड कंट्रोलर। और जब भी ये बटन क्लिक होगा, साइन इन बटन, तो हम यहाँ पर एक ऑन प्रेस इवेंट पे हम एक कॉन्टेक्स्ट हम ऐड करेंगे, गेट लॉगिन मेथड कॉल बैक। ठीक है, जैसे हमने रजिस्टर में सेट किया था, और इसमें हम कॉन्टेक्स्ट सेंड कर देंगे। अब यही मेथड को हमको यहाँ पे रिटर्न करना होगा। यहाँ पे इसमें हम कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे जो भी ऊपर से आ रहा है, कौन से स्क्रीन से किस स्क्रीन पे हमें जाना है उसका ये हमें प्रोवाइड कर देगा। अब इसको हम रिटर्न कर देंगे कि जब भी कॉल बैक मिले तो इस मेथड में वो कॉन्टेक्स्ट सेंड कर दीजिए ऐसे, और यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट सेंड कर देंगे। इसमें आप वो ले सकते हैं जो भी ऊपर से आ रहा है पैरामीटर, लाइक दिस। ठीक है, अब ईमेल कंट्रोलर हमारा रेडी है, तो ईमेल कंट्रोलर से हम वैल्यूज़ को ले लेंगे। ठीक है, तो इसको आपको ये जो मेन मेथड है ना, जो क्लास है हमारी, इस क्लास के अंदर ही आपको इसको लिखना होगा। ठीक है, नहीं तो आपको वो ईमेल कंट्रोलर नहीं मिल पाएगा। तो ईमेल कंट्रोलर यहाँ पे हमें जो मिल रहा है वो हम ले लेंगे, उसकी टेक्स्ट हम ले लेंगे और उसको ट्रिम कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली पासवर्ड भी हम यहाँ से ले लेंगे, पासवर्ड कंट्रोलर से, और उसको ट्रिम कर देंगे लाइक दिस। अब हम साइन इन करेंगे। ठीक है, साइन इन कैसे करेंगे, सबसे पहले ट्राई, और जो भी एक्सेप्शन आएगा फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन पे, वो एक्सेप्शन कैच कर लेंगे हम लोग, और जो भी एरर आएगा उसको वो प्रिंट कर देगा लाइक दिस एरर दिस। ठीक है, अब जो भी ट्राई में आपको लिखना है वो है फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, और आपको यहाँ पे देखेंगे साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड है, बस ये आपको लिख देना है। यहाँ से आप ईमेल आपके पास अवेलेबल है इस वेरिएबल में, और पासवर्ड भी आपके पास अवेलेबल है लाइक दिस। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, यूज़र को फाइंड कर लेंगे, और इसको स्टोर कर देंगे हम लोग
एक यूज़र, इसको हम स्टोर कर देंगे एक यूज़र नाम के इसमें, फायरबेस यूज़र, ठीक है, उसको मैं नाम दे देता हूँ फायरबेस यूज़र। अब जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो भी यहाँ पे यूज़र हमने स्टोर किया, ये यूज़र आपको यहाँ पे स्टोर करना होगा, ठीक है। अब ये अवेट इस असिंक का कनेक्शन है, ठीक है। जब भी ये चीज़ जब तक नहीं होगी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले हमने क्या किया, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड इस फायरबेस ऑथ से निकाला, ठीक है। इस मेथड की मदद से हम चेक करेंगे कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र जो यहाँ पे अवेलेबल है, जो यहाँ पर ये जो यूज़र्स अवेलेबल है ये ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, मतलब ये ईमेल और पासवर्ड के यूज़र्स है कि नहीं। तो वहाँ से हमने एक यूज़र निकाला और उसको फायरबेस यूज़र में रख दिया। अब हम चेक करेंगे कि वो यूज़र अगर नल नहीं है, दैट मीन्स कि यूज़र वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और उससे हम क्या करेंगे, एक पुश लगाएंगे कि अगर यूज़र अवेलेबल है तो उसको होम स्क्रीन पे हम सेंड कर देंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे हम एक होम स्क्रीन पे उसको भेज देंगे अगर यूज़र अवेलेबल है तो, और अगर नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे कि आपने ईमेल और पासवर्ड गलत तरीके से लिखा है, उसको आप सही लिखिए, चेक ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। अब ये होम जो है ये हमने क्रिएट नहीं किया है, तो होम स्क्रीन हम पहले क्रिएट कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेटफुल stfl आप टाइप करेंगे तो आपका एक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, तो इसको मैं होम स्क्रीन दे देता हूँ, ठीक है। अब हमें लगेंगे पैकेज, तो इंपोर्ट करेंगे हम पैकेज, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक स्कैफोल्ड क्रिएट कर देंगे, उसके अंदर हम ऐप बार ऐड करेंगे, तो उसे हमें एक ऐप बार मिल जाएगा, उसमें टाइटल, उसको मैं होम स्क्रीन दे देता हूँ, ठीक है। अब हम थोड़ी सी एक्शंस क्रिएट कर देंगे ताकि क्या हो कि जब भी एक साइन आउट बटन मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, जैसे ही वो साइन आउट बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पर वो क्या होगा, साइन आउट बटन पे क्लिक करने पे वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जेस्टर डिटेक्टर से मैं एक एक्शन क्रिएट करूँगा यहाँ पे, और उसके ऑन टैप मेथड पे हम लोग साइन आउट मेथड कॉल करेंगे। तो साइन आउट मेथड के लिए आपको क्या करना होता है, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन आउट, ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी बहुत सारी अवेलेबल है मेथड, आप देख सकते हैं। फायरबेस ऑथ लिखेंगे तो जैसे ही यहाँ पे आप डॉट लिखेंगे ना तो आपको सारी मेथड्स यहाँ पे मिल जाती है, जैसे पासवर्ड रीसेट, ईमेल, ऐसे बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो साइन आउट का यूज़ करके हम उसको कर देंगे, और यहाँ से हम पुश कर देंगे उसको, जैसे ही लॉग आउट होगा तो वो फिर से अपने लॉग इन स्क्रीन पे पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये कब होगा, जब एक आइकन मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, आइकन लॉग आउट का आइकन हम यूज़ करेंगे लाइक दिस, जैसे ही ये आइकन पे क्लिक होगा वो इस स्क्रीन पे पहुँच जाएगा, किस पे, लॉग इन पेज पे। और होम पेज, जब भी यूज़र अगर सक्सेसफुली साइन इन हो गया तो वो होम स्क्रीन पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हमको एक कॉन्टेक्स्ट राउट में सेट करना होगा, जैसे होम मैंने लिखा तो वो होम स्क्रीन पे पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लॉगिन करके देखते हैं। तो हमने जो यूज़र क्रिएट किया था रामा नाम का, उसी का ही नाम यूज़ करते हैं, rama@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड में दे देता हूँ, साइन इन कर देते हैं, ठीक है। तो होम स्क्रीन पे उसने हमको रिडायरेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं ऐप को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे रिस्टार्ट करता हूँ ऐप को, तो फिर से वो यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन पे आ जाता है। अब सपोज़ मैं गलत एड्रेस डालता हूँ, ठीक है, पासवर्ड में गलत डालता हूँ, अभी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड इज़ इनवैलिड और द यूज़र डज नॉट हैव द पासवर्ड। तो पासवर्ड प्रॉपरली वो चेक कर लेता है प्रॉपर, ठीक है, abcdef साइन इन। तो ये हो गया हमारा होम स्क्रीन का सेट। अब जब भी मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ ना,
तो ये हमें ईमेल पे ही लेके जा रहा है, मतलब लॉगिन स्क्रीन पर ही लेके जा रहा है। तो हमें यहाँ पे सेट करना होगा कि अगर यूज़र ऑलरेडी साइंड इन है तो उसको होम स्क्रीन पर ही रहने दो, अदरवाइज़ उसको लॉगिन स्क्रीन पर भेजो, जनरली जो फ्लो रहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन डॉट डार्ट में यहाँ पे सेटिंग करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको मेन स्क्रीन स्टेट में यूज़र एक क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब इसमें आपको एक इनिट स्टेट नाम की मेथड रहती है, ये मेथड सबसे पहले कॉल होती है जब भी ऐप कॉल होता है ना, तो सबसे पहले ये मेथड कॉल होती है ऐप साइकिल में। तो यहाँ पर आपको सेट कर देना है कि फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, जो भी यूज़र है अगर वो यूज़र अवेलेबल है यहाँ पर, तो उसको हम यूज़र नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, करंट यूज़र में ऐसे। और यहाँ पे हम इनिशियल राउट में यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर यूज़र नल नहीं है, यूज़र अगर अवेलेबल है तो उस केस में आप इसको होम स्क्रीन पर भेज दीजिए, अदरवाइज़ लॉगिन स्क्रीन पर उसको भेज दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। यूज़र अगर नल नहीं है, मतलब यूज़र अवेलेबल है, जो ये वाला यूज़र हमने यहाँ से लिया फायरबेस और करंट यूज़र से, अगर ये अवेलेबल है तो होम स्क्रीन पर, नहीं तो फिर लॉगिन स्क्रीन पर, तो इससे सेटिंग हो जाएगी। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। इसको लॉग आउट कर देता हूँ मैं पहले। अब यहाँ पे मैं फिर से एक वही यूज़र एड्रेस डाल देता हूँ, साइन इन कर देते हैं, ठीक है। अब ये हम इसको रीस्टार्ट करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन पर ही ओपन हुआ। जब हम इसको लॉग आउट करेंगे तभी ये यहाँ पर आएगा। अभी हम इसको फिर से एक बार रीस्टार्ट करते हैं, देखिए अब होम स्क्रीन पर ही वो आ रहा है। अब इसको साइन आउट करके अब रीस्टार्ट करेंगे तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा लॉगिन का फंक्शनैलिटी। अब हमने साइन अप और लॉगिन का फंक्शनैलिटी देख लिए, अब बारी आती है फॉरगॉट पासवर्ड की। तो फॉरगॉट पासवर्ड के लिए आपको एक फॉरगॉट पासवर्ड नाम की फ़ाइल क्रिएट करना होगा। तो वो फ़ाइल कैसे क्रिएट करेंगे, आप यहाँ से जावा में न्यू डार्ट फाइल, यहाँ पर आप लिखेंगे फॉरगॉट पासवर्ड डॉट डार्ट, ठीक है। इससे आपके जो फॉरगॉट पासवर्ड वाली फ़ाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। अब उसका कोड पूरा देखते हैं कि कैसे आप फॉरगॉट पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लॉगिन स्क्रीन का जो भी कोड है वो यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे और यहाँ पे हम उसको फॉरगॉट पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब हमें फॉरगॉट पासवर्ड में सिर्फ ईमेल चाहिए, बाकी सब हम रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसको फॉरगॉट पासवर्ड कर देता हूँ, देखिए ईमेल कंट्रोलर हमें चाहिए, बाकी चीज़ें जो भी है वो हम रिमूव कर देंगे, जैसे पासवर्ड का हमें नहीं चाहिए। और साइन इन की जगह पे मैं उसको फॉरगॉट पासवर्ड यूज़ कर दूंगा। ये पूरा कोड लॉगिन पेज का ही है, उसी को ही हम रीयूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ये रो पूरा रिमूव, ठीक है, ये चीज़ें रिमूव कर देते हैं अभी, लाइक दिस। अब लॉगिन पेज पे फॉरगॉट पासवर्ड पे हमें सेट करना होगा यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ जैसे ही फॉरगॉट पासवर्ड जहाँ पर भी वर्ड आएगा तो वो हमें इस स्क्रीन पर भेज देगा, देखिए। तो यहाँ पे सिर्फ ईमेल हमें क्लिक, ईमेल प्रोवाइड करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करेंगे तो हमको एक ईमेल आ जाएगा, उस ईमेल से हम रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा उसके लिए, तो सबसे पहले आपको फॉरगॉट पासवर्ड में यहाँ पे ऑन प्रेस्ड पे कॉल बैक प्रोवाइड करना है, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे किए थे लॉगिन और रजिस्टर में, फॉरगॉट पासवर्ड कॉल बैक, ठीक है। यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट सेंड कर देंगे। अब इसी को ही यहाँ पे हमें लिखना होगा जिसकी मदद से हम लोग कॉन्टेक्स्ट ले पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और इसको रिटर्न कर देंगे जब भी होगा, तो हमें ये मेथड में कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देना ऐसे, ठीक है।
अब ये मेथड क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे void forward password, और यहाँ पे context ऊपर से जो भी आ रहा है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे और async का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोलर लगेगा, तो यहाँ पे ईमेल कंट्रोलर हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम यहाँ पे ईमेल ले लेंगे, ठीक है। ईमेल कंट्रोलर से यहाँ पे हम टेक्स्ट ले लेंगे, उसको ट्रिम कर देंगे। अब आपको ट्राई करना है, ठीक है, ऑन फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन पे कैच करेंगे हम जो भी एरर आ रहा है और उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस का यूज़ करके सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, और जो भी ईमेल होगा यहाँ पे वो हम प्रोवाइड कर देंगे, और उसकी देन मेथड से हमें ये पता चल जाएगा कि पासवर्ड का जो भी ईमेल है वो सेंड हो चुका है, ठीक है। और जब भी ये हो जाएगा उसके बाद में हमें उसको लॉगिन स्क्रीन पर प्रोवाइड सेंड कर देना है फिर से, राइट। यानी जब भी वो हो जाएगा कंप्लीट प्रोसेस रीसेट पासवर्ड का, तो उसको हमको लॉगिन स्क्रीन पर फिर से भेज देना है। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ईमेल में करेक्ट वाले डाल देता हूँ यहाँ पे, या फिर एक प्रॉपर यूज़र ही क्रिएट कर देते हैं, राइट। उससे क्या होगा, ईमेल सही जगह पहुँच जाएगा। अब सब ठीक है, यहाँ पे मैं एक ओरिजिनल यूज़र रजिस्टर कर देता हूँ, जैसे मैं मनीष लिखता हूँ teamcodesify@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, साइन अप। अब देखते हैं ये यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं, ठीक है, ये यूज़र क्रिएट हो चुका। अब हम यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं, और मैं यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, फॉरगॉट पासवर्ड। अब यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि मेल मुझे आया है कि नहीं, ठीक है, रीसेट पासवर्ड का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉलो दिस लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग, तो जो भी मेरा न्यू पासवर्ड है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, मेरा यहाँ पे पासवर्ड सेट हो चुका। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वही पहले ओल्ड पासवर्ड यूज़ करके देखता हूँ वो चल रहा है कि नहीं, ठीक है, उसे लॉगिन करके देखता हूँ, तो क्लैरिटी आ जाएगी, द पासवर्ड इज़ इनवैलिड और यूज़र डज नॉट हैव अ पासवर्ड। लेकिन अगर मैंने जो अभी नया पासवर्ड ऐड किया वो अगर मैं देता हूँ इसको और फिर साइन इन करता हूँ, तो वो अकाउंट पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ईजी तरीके से हमने लॉगिन साइनअप और फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी हैंडल की फ्लटर फायरबेस के थ्रू। आई होप कि आपके सारे डाउट्स फ्लटर और फायरबेस से रिलेटेड जो भी होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। फ्लटर ग्रिड व्यू, इस टॉपिक को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल ऐप हम आज इस वीडियो में क्रिएट करेंगे, जिसमें हम ऑनलाइन कोर्सेज को ग्रिड व्यू की मदद से डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और मेरे वीडियो को अगर पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोज़ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब तो डेफिनेटली बनता ही है। अब गाइस, स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपको ग्रिड व्यू का एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, जो चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख रहे हैं कि ग्रिड व्यू डॉट काउंट के अंदर चार चीज़ें मैंने ऐड की हुई है, ठीक है, क्रॉस एक्सिस काउंट, क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, मेन एक्सिस स्पेसिंग एंड चिल्ड्रन। ये चार चीज़ों से ये ग्रिड व्यू क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्रॉस एक्सिस काउंट मतलब क्या, कि ग्रिड व्यू में आपको कितने बॉक्स साइड बाय साइड चाहिए। हमने अभी क्रॉस एक्सिस काउंट को 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो दो बॉक्स हमें साइड बाय साइड दिख रहे हैं फर्स्ट रो में, सेकंड रो में अगेन हमें दो बॉक्स दिख रहे हैं, तो दो बॉक्स यहाँ पे दिखेंगे। ये कितने एलिमेंट्स हमें एक रो में चाहिए ये हम डिनोट करते हैं क्रॉस एक्सिस काउंट से, ठीक है। अगर मैं क्रॉस एक्सिस काउंट यहाँ पे 3 दे देता हूँ, तो 3 एलिमेंट्स
यहाँ पे ग्रिड व्यू में दिखेंगे, ठीक है, तीन बॉक्स एक रो में दिखने चालू हो जाएंगे। फिर होता है क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग। अब ये जो दो बॉक्स साइड बाय साइड बने इसके बीच में कितनी स्पेसिंग होना, ये हम डिनोट कर सकते हैं क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग से। वैसे ही मेन एक्सिस स्पेसिंग मतलब क्या कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो के बीच में जो स्पेसिंग है उसको ऐड करने के लिए हम मेन एक्सिस स्पेसिंग यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि रेड कलर की लाइन से मैंने स्पेस को डिनोट किया है, तो वो स्पेस ही रहती है मेन एक्सिस स्पेसिंग। उसके बाद है चिल्ड्रन, कि ग्रिड व्यू में आपको क्या क्या डेटा डिस्प्ले करना है वो हम चिल्ड्रन की मदद से डिस्प्ले कर सकते हैं। अब गाइस सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली इस ऐप को क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाता है। अब गाइस मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके का ऐप हम क्रिएट करेंगे। तो ये है ऐप जो आज हम क्रिएट करने वाले हैं। इसमें स्क्रॉल व्यू वगैरह सब ऑटोमेटिक हैंडल हो जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक है ऐप बार, ठीक है, एक बटन ऐप बार में। यहाँ पर ये ग्रिड व्यू के थ्रू मैंने ग्रिड काउंट दिया हुआ है जो है 2, जिसके थ्रू हमने ये डिस्प्ले किया है। इस बॉक्स में एक इमेज और एक टेक्स्ट विजेट है, ठीक है, और यहाँ पर एक टेक्स्ट विजेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट है और एक ग्रिड व्यू है, ठीक है, ये पूरा एक ग्रिड व्यू है। तो दो चीज़ों को एक के नीचे एक ऐड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉलम विजेट, ठीक है। तो सारे विजेट्स का कॉम्बिनेशन आज इस ऐप में हम यूज़ करके इसको क्रिएट करेंगे। अब अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा है जिसमें हमने फ्लटर फायरबेस को एक्सप्लेन किया था, तो उसी का ही कंटिन्यूएशन हम इस ऐप में करेंगे, ठीक है। तो लॉगिन के बाद हम आए थे होम स्क्रीन पर। अब उस होम स्क्रीन पर हम ये चीज़ें डिस्प्ले करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको homescreen.dart में आना है, ठीक है। ये इसको हम पूरा स्क्रैच से क्रिएट करेंगे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप विजुअल स्टूडियो में इसको रन कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पर भी सब चीज़ें सेम ही रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरीके से ऐप को क्रिएट करें। सबसे पहले हमको एक स्टेटफुल विजेट लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे stful लिखूँगा और यहाँ पे हम लिखेंगे होम स्क्रीन। पैकेजेस यहाँ पे इम्पोर्ट कर देते हैं, इम्पोर्ट पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक स्कैफोल्ड क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम एक ऐप बार ऐड करेंगे। ऐप बार के अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए, एक टाइटल और एक बटन, ठीक है। टाइटल मैं दे देता हूँ कोडिफाई कोर्सेस, और बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं ब्लैक कलर का, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्लैक कलर हमें चाहिए, तो कलर्स डॉट ब्लैक हम यूज़ करेंगे। और एक साइन आउट बटन चाहिए हमें यहाँ पे, तो साइन आउट बटन का एक्शंस भी ऐड कर ही देते हैं इसमें, ठीक है। तो उसके लिए हम जेस्चर डिटेक्टर यूज़ करेंगे और उसके ऑन टैप इवेंट पे हम लोग फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन आउट, ठीक है। और अगर लॉग आउट हो गया यूज़र तो उसको हमको लॉगिन स्क्रीन पर सेंड करना है। तो राउट नेम हमने सेट कर दिया है लॉगिन यहाँ पे इस तरीके से, और चाइल्ड में हम एक आइकन ऐड कर देते हैं जिसको हम बोलेंगे लॉग आउट आइकन, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक ऐप बार जो था वो क्रिएट हो जाएगा इससे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को कंज्यूम कर रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। इस एक्शंस को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि अगर आपके इसमें फायरबेस इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको एरर्स वहाँ पे थ्रो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए पैकेजेस वगैरह हमने इंस्टॉल किए थे तो वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी होगी। तो आप इसको बेसिकली स्किप कर सकते हैं अगर आप ग्रिड व्यू का ही एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बॉडी कैसे क्रिएट करेंगे। बॉडी में हम लोग एक कॉलम विजेट ऐड करेंगे जिसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, तो चिल्ड्रन के मदद से हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। हमें दो चीज़ें चाहिए, एक होना टेक्स्ट विजेट और एक होना ग्रिड व्यू, ठीक है। तो टेक्स्ट विजेट को कैसे ऐड करेंगे, टेक्स्ट हम देंगे उसको वेलकम यूज़र, और उसकी स्टाइल सेट कर देंगे टेक्स्ट स्टाइल की मदद से। उसमें मैं उसको दे दूंगा फॉन्ट साइज़ हम देते हैं उसको 32, ठीक है। उसके बाद उसका फॉन्ट वेट हमें लगेगा, फॉन्ट वेट में उसको बोल्ड कर देता हूँ मैं,
और इसको हमें पैडिंग प्रॉपर देना होगा। तो इसको यहाँ पे शो कॉन्टेक्स्ट एक्शंस में रैप विथ पैडिंग हम करेंगे, ठीक है। और पैडिंग मैं इसको दे देता हूँ 16। ये रिफ़्रेश हो रहा है अभी ऐप, यहाँ पे ऐप बार हमने क्रिएट कर लिया और यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब देखते हैं कि ग्रिड व्यू को कैसे ऐड करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हमें कॉलम विजेट में एक और एलिमेंट ऐड करना है जिसको हम बोलेंगे ग्रिड व्यू, ठीक है। उसको हम ऐड करेंगे एक्सपांडेड में ताकि आपको कोई इशू नहीं जाए उसमें। एक्सपांडेड के अंदर हम ऐड करेंगे ग्रिड व्यू डॉट काउंट जैसे हमने देखा था, और इसके अंदर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रिड व्यू में हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए, हमें चाहिए 2 एलिमेंट साइड बाय साइड। उसके बाद हमें क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग चाहिए जो हम दे देंगे 10, ठीक है। और हमें मेन एक्सिस स्पेसिंग चाहिए जो भी हम दे देंगे 10, ठीक है। तो राइट साइड में भी स्पेसिंग 10, दो एलिमेंट्स के बीच में, और नीचे भी 2 एलिमेंट्स के बीच में स्पेसिंग 10, ठीक है। उसके बाद में ऐड होगा चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से मेथड मैं बनाऊंगा जो ग्रिड व्यू में जो बॉक्स के अंदर डिटेल्स है इमेज और उसका टाइटल, वो चीज़ें हम ऐड करेंगे इस मेथड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 पैरामीटर्स पास करूँगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी डिस्प्ले करना है और उसकी इमेज का पाथ, ठीक है। तो इमेज मैंने एसेट्स में इमेजेस के अंदर ये ऐड की हुई है, ठीक है। तो उसी इमेज का यूज़ करके मैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले करूँगा। सिमिलरली मुझे यहाँ पे और कोर्सेज भी ऐड करने हैं जिसको मैं बोलूँगा C++, एक होगा फ्लटर, एक पाइथन, एंगुलर, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये चीज़ें हमें ऐड करनी है, ठीक है। इमेजेस के नाम देखिए, आप यहाँ पे अगर आपके इसमें इमेजेस ऐड नहीं है तो एसेट्स के अंदर यहाँ पर आप इमेजेस फोल्डर क्रिएट करके उसमें आपको जो भी इमेज ऐड करना है आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हैं। अब इन सबके इमेज के नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फ्लटर के लिए इमेज मैंने ऐड की हुई है flutter.png, पाइथन के लिए मैंने ऐड की हुई है python.jpg, एंगुलर के लिए angular.png है, और css के लिए css, यस। एंड javascript के लिए हम यूज़ करेंगे javascript.png। अब ये मेथड क्रिएट करने के लिए हमें आना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे विजेट बिल्ड कोर्स कार्ड, और उसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक टाइटल हमें पास करना है और एक इमेज, ठीक है। इमेज भी नहीं, उसका इमेज पाथ हम बोलेंगे। अब इसमें हम रिटर्न करेंगे एक कार्ड को, ठीक है। उस कार्ड के अंदर हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक इमेज और एक उसका टाइटल। तो उसके लिए हमें एक कॉलम लगेगा, राइट। तो कॉलम विजिट के अंदर हम चिल्ड्रन ऐड करेंगे, उसके अंदर एक इमेज। तो इमेज के लिए मैं बोलूँगा इमेज डॉट एसेट, और जो भी हमारा इमेज का पाथ आएगा ना ऊपर से यहाँ से, वो हम यहाँ पे कैच करेंगे। इमेज पाथ मैं बोलूँगा, और उसकी हाइट आप सेट कर सकते हैं। हाइट इमेज की हम बोलेंगे 100, उसकी विड्थ भी 100 ही दे देते हैं। और इमेज आपको कैसे फिट करनी है, तो बॉक्स फिट डॉट कवर हम करेंगे, ठीक है। तो वो पूरे बॉक्स में वो कवर हो जाएगी। उसके बाद में आपको ऐड करना है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको आप सिंपली टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, और जो भी यहाँ पे टाइटल आ रहा है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है, राइट। तो यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे और उसकी स्टाइल कर देते हैं प्रॉपर। तो स्टाइल में हम टेक्स्ट स्टाइल की मदद से जो भी उसका फॉन्ट साइज़ आपको सेट करना है आप कर सकते हैं, 22 हम ले लेंगे, और फॉन्ट वेट हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं उसको, ठीक है। अब इसको पैडिंग प्रॉपर कर देते हैं, इसकी पैडिंग हम 8 दे देते हैं। इसको रन करके देखते हैं अभी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐप आ चुका है। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो
तो ये इन दो एलिमेंट्स के बीच में ये जो एक टेक्स्ट विजेट है और ये जो एक पूरा ग्रिड व्यू है हमारा, इन दो एलिमेंट्स के बीच में यहाँ पे स्पेसिंग अगर हमें ऐड करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं पैडिंग ग्रिड व्यू के लिए भी। ठीक है, तो ये जो ग्रिड व्यू हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, इसको भी मैं पैडिंग में रैप कर देता हूँ। पैडिंग इसको मैं थोड़ी ज़्यादा दे देता हूँ ताकि प्रॉपरली वो स्पेसिंग अवेलेबल हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना इजी है ग्रिड व्यू को इंप्लीमेंट करना। बस आपको बेसिक नॉलेज रहना चाहिए कि कितने एलिमेंट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 3 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 3 एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गए। ठीक है, तो जनरली 2 एलिमेंट्स ही रहते हैं एक इसमें, और ग्रिड व्यू में ऑटोमेटिक स्क्रोल व्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है। वही अगर आप सिल्वर ग्रिड व्यू का अगर यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कस्टम स्क्रोल व्यू का यूज़ करके आपको चीज़ों को करना होता है। तो आई होप कि आपको ग्रिड व्यू का अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली आ चुका होगा। अब यहाँ से अगर लॉग आउट करेंगे तो हम हमारे लॉगिन स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, ये अगर एपिसोड आपने नहीं देखा है तो आप पूरा देख सकते हैं, उसमें हमने प्रॉपर फॉरगॉट पासवर्ड को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर की थी। फॉरगॉट पासवर्ड, यहाँ से आपको फॉरगॉट पासवर्ड करने पे ईमेल भी आ जाता है, साइन अप कैसे करते हैं वो सब चीज़ें हमने कवर की हुई है। ठीक है, आई होप कि ग्रिड व्यू से रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और पहली बार अगर कोडजीफाई यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। फ्लटर वीडियो प्लेयर, पिछले एपिसोड में हमने कवर किए थे कि किस तरीके से ग्रिड व्यू क्रिएट किया जाता है एक मोबाइल ऐप में। अब हमारा टास्क है कि जब उस कार्ड पर क्लिक होगा तो हमें नेक्स्ट स्क्रीन में एक वीडियो प्लेयर ओपन करना है और उसी कोर्स की प्लेलिस्ट वहाँ पे नीचे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इस वीडियो प्लेयर को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है फ्लटर में, और ये जो लिस्ट है नीचे इसको कैसे डिस्प्ले किया जाता है, और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब भी उस लिस्ट के कोई भी आइटम पे क्लिक होगा तो वो स्पेसिफिक वीडियो वहाँ पे प्लेयर में प्ले होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे एक प्रैक्टिकल फ्लटर प्रोजेक्ट के थ्रू। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आई होप कि आपको इस फ्लटर ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी स्टेप बाय स्टेप। आप पूरा ए से लेकर जेड तक इसमें सीख सकते हैं कि फ्लटर किस तरीके से काम करता है और अपने ऐप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस फ्लटर सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए आप कोडजीफाई यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और लर्निंग वीडियोस मैं आपके लिए क्रिएट कर सकूं और अपलोड कर सकूं। अब गाइस, सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से हम फ्लटर वीडियो प्लेयर को ऐड करते हैं और नीचे लिस्ट को डिस्प्ले करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आफ्टर यूज़र लॉगिन हमने ये ग्रिड व्यू डिस्प्ले किया था जिसमें ये कोडिंग के कोर्सेस हम डिस्प्ले कर रहे थे, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि जब यूज़र इस कार्ड पर, इस ग्रिड कार्ड पर क्लिक करेगा तो उसे यहाँ पर एक वीडियो प्लेयर और पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट उस कोर्स से रिलेटेड यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक डिफ़ॉल्ट प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे एक लिस्ट के थ्रू, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की हुई है, इस लिस्ट में सारी डिटेल्स मैंने एंटर की हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो सारी डिटेल्स है ना, इसको फायरबेस के थ्रू डेटाबेस से फेच करेंगे। पर अभी ये देखते हैं कि ये क्लिक इवेंट कैसे होता है और उसके क्लिक करने पे ये प्लेलिस्ट कैसे यहाँ पे डिस्प्ले करी जाए और यहाँ पे वीडियो प्लेयर को कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अभी कवर करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस ग्रिड व्यू पे ऑन क्लिक इवेंट इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा पिछला एपिसोड आप ज़रूर देखें, उसमें हमने दो चीज़ें की थी। एक कॉलम विजेट लिया था, उस कॉलम विजेट में हमने एक टेक्स्ट विजेट लिया था जिसमें हमने ये वेलकम यूज़र डिस्प्ले किया था, और नेक्स्ट हमने एक ग्रिड व्यू क्रिएट किया था, राइट। उस ग्रिड व्यू में हमने एक बिल्ड कोर्स कार्ड नाम की मेथड ली थी, उसमें हमने दो चीज़ें पास की थी, एक टाइटल और एक इमेज पाथ। और इस बिल्ड कोर्स कार्ड में हमने दो चीज़ें की थी, एक इमेज और एक टेक्स्ट विजेट क्रिएट किया था, राइट। अब हम यहाँ पे एक जेस्चर डिटेक्टर ऐड करेंगे ताकि उसके क्लिक इवेंट पे हमें पता चले, राइट। ये जेस्चर डिटेक्टर को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे ताकि पूरे कार्ड पर वो क्लिक अप्लीकेबल रहे। अब इसमें हमें इस कार्ड को सबसे पहले चाइल्ड में ऐड कर देना है, ठीक है। अब हमें इसके ऑन टैप इवेंट पे नेविगेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नेविगेटर डॉट पुश, और कॉन्टेक्स्ट में हम राउट ऐड करेंगे कि हमें कौन से पेज पर जाना है। हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देंगे और हम बोलेंगे कि हमें
कोर्स डिटेल स्क्रीन पर लेके जाइए और उसमें दो चीज़ें हम पास करेंगे, टाइटल और एक इमेज पार्ट। ठीक है, बिल्डर को हमें यहाँ पे क्लोज करना होगा और यहाँ पे एक मटेरियल पेज राउट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जेस्चर डिटेक्टर। अब आपको कोर्स डिटेल स्क्रीन नाम की एक स्क्रीन क्रिएट करनी होगी, राइट। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको और बेटर तरीके से विजिबिलिटी हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू में जाएंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे कोर्स डिटेल स्क्रीन डॉट डाट। ठीक है, अब इस क्लास में आपको एक वीडियो प्लेयर क्रिएट करना है, ठीक है, और एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टेटफुल विजेट क्रिएट कर देता हूँ, उसका नाम मैं दे दूँगा कोर्स डिटेल स्क्रीन। ठीक है, और मटेरियल पैकेज इम्पोर्ट कर देते हैं फ्लटर का, इम्पोर्ट पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डाट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वीडियो प्लेयर ऐड करना है, उसके लिए आपको एक चीज़ करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको फ्लटर का पैकेज यहाँ पे पॉपस्पैक डॉट वाई एम एल में ऐड करना होगा। तो उसके लिए आप ये ऐड कर सकते हैं यूट्यूब प्लेयर फ्लटर वर्जन 8.1.2, यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं फ्लटर पैकेज यूट्यूब प्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पहला ही पैकेज मिल जाता है, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, और पब गेट की मदद से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ आपको इसमें करनी होती है। फिर अब हम आते हैं कोर्स डिटेल स्क्रीन पर। अब उसी यूट्यूब प्लेयर का यूज़ करके हम लोग एक प्लेयर ऐड करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पे एक पैकेज ऐड करना होगा यूट्यूब प्लेयर का। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो ये पास किया था टाइटल और इमेज पाथ, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि नेक्स्ट स्क्रीन, इससे आपको ये पता चल रहा है कि पिछले स्क्रीन से, मतलब यहाँ से आपको नेक्स्ट स्क्रीन में अगर डेटा को पास करना है तो कैसे करेंगे। तो आप उसके लिए आपको एक बेसिक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। यहाँ पे आप जो नाम का आपने वेरिएबल यहाँ पास किया था ना, टाइटल और इमेज, उसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक इमेज पाथ मैं ले लेता हूँ और इसको आपको इनिशियलाइज करना होगा यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो आप ऐसे उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड देना होता है और जो भी वेरिएबल आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, वैसे ही रिक्वायर्ड दिस डॉट इमेज पाथ। अब इसको आपको यहाँ पे करना होता है जहाँ पे स्टेटफुल विजेट हमने क्रिएट किया है, राइट। इसको आप कमेंट, इसको आप हटा दीजिए लाइक दिस। अब यहाँ पे जहाँ पे ये स्टेट क्रिएट हुई, यहाँ पे हम लोग अब कंट्रोलर्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक YouTube प्लेयर कंट्रोलर लगेगा, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे और इसको मैं बोलूँगा YouTube कंट्रोलर। ठीक है, प्लेलिस्ट के लिए हम एक लिस्ट क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फायरबेस से कैसे उसको फेच करना है, बट अभी के लिए उसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी सब हमें ऐड करनी होगी प्लेलिस्ट की। तो वीडियो की आप आईडी निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आईडी ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, तो वही मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे वीडियोज़ की आईडी है, यूट्यूब वीडियोज़ की आईडी। एक हो गई हमारी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट प्लेलिस्ट की। अब हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शंस भी लगेंगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लिस्ट में वीडियोज़ की भी क्रिएट कर देता हूँ जिसमें थंबनेल यूआरएल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक लिस्ट वीडियो नाम का हम क्रिएट करेंगे अभी मॉडल। उसके अंदर जो जो चीज़ें हम पास करेंगे वो रहेंगी थंबनेल यूआरएल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ये तीन चीज़ें हमें लगेगी जब यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं ना, तो एक थंबनेल, एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस लिस्ट में हम ले लेते हैं। अब आपको ये जो एरर आ रहा है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको वीडियो प्लेयर को कैसे ऐड करना है वो सिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, जिसमें इनिट स्टेट हम यूज़ करेंगे। जैसे ही ऐप इनिशियलाइज होता है, जैसे ही ऐप शुरू होता है, उस केस में हमें सबसे पहले एक प्लेयर इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कंट्रोलर हमने ऊपर क्रिएट किए उसी की मदद से एक कंट्रोलर यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे। और उसकी जो इनिशियल आईडी, मतलब जब पहली बार मैंने यहाँ से क्लिक करके आया, तो ये जो पहला वीडियो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो वो होता है इस एरे के अंदर का जो भी पहला एलिमेंट है प्लेलिस्ट के अंदर, ये वाला, इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, ये एरर्स आ रहे हैं, इसको अभी के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ। प्लेलिस्ट के अंदर जो भी पहला है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो भी फ्लैग्स ऐड करने हैं,
कि कौन से, जैसे ऑटो प्ले आपको ऑफ करके रखना है तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्लैग्स की मदद से यूट्यूब प्लेयर फ्लैग्स यहाँ पे लेके उसमें फ्लैग्स ऐड कर सकता हूँ। जैसे ऑटो प्ले हम फॉल्स कर देंगे और म्यूट भी हम फॉल्स कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑटो प्ले जैसे ही होगा वो इस स्क्रीन पर जैसे ही वो आएगा तो ये वीडियो ऑटो प्ले नहीं होगा, ये पॉज हो जाएगा। बेसिकली वही इसका मतलब है। अब ये जो YouTube कंट्रोलर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, इसको यहाँ पे नाम दे देंगे। ये YouTube प्लेयर कंट्रोलर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, इसी का यूज़ करके यहाँ पे हम इसको करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आपको ख्याल में रखनी है कि हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे थे तो हमने यहाँ पे इक्वल टू साइन दे दिया था, जिसकी वजह से यहाँ एरर आ रहा था, राइट। तो ये बेसिक चीज़ है, डिक्लेरेशन में इक्वल टू नहीं लगता है, असाइनमेंट में लगता है। अब हम बिल्ड मेथड में सबसे पहले एक स्कैफोल्ड ऐड कर देते हैं, जिसमें हम ऐप बार हमारा ऐड कर देते हैं। तो स्कैफोल्ड के अंदर आपको एक ऐप बार ऐड करना है, जो ये कोर्स वीडियोस ऊपर दिख रहा है ये हम ऐड करेंगे अभी। उसका टाइटल हम देंगे, टेक्स्ट के अंदर हम दे देंगे उसको कोर्स वीडियोस, ठीक है। उसके बाद में उसका बैकग्राउंड कलर हमें सेट करना है, जो हम बोलेंगे ब्लैक कलर का है। उसके बाद हमें उसका कलर जो है फोरग्राउंड कलर, मतलब टेक्स्ट का जो कलर है ऐप बार के, उसका कलर हमें चाहिए वाइट। तो हम यहाँ पे फोरग्राउंड कलर की मदद से वो कर सकते हैं। अब हमें दो चीज़ें लगेंगी, एक प्लेयर के लिए और एक लिस्ट के लिए। तो यहाँ पे हमको एक कॉलम विजेट ऐड करना होगा, राइट। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा बॉडी, और सेंटर में इसको कर देता हूँ चाइल्ड में हम ऐड करेंगे एक कॉलम विजेट। कॉलम विजेट के अंदर हम चिल्ड्रंस को ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हमें दो चीज़ें ऐड करनी है, एक यूट्यूब प्लेयर। तो सबसे पहले हम यूट्यूब प्लेयर ऐड कर देते, कंट्रोलर हमारा है यूट्यूब कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद में अब आपको जो जो चीज़ें डिस्प्ले करनी है, जैसे वीडियो प्ले करने पे आपको एक प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करना है, तो आप उसको वीडियो प्रोग्रेस इंडिकेटर फ्लैग के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अगर उसमें जो भी, जैसे वीडियो प्ले हो रहा है तो उसमें ये जो इंडिकेटर दिखता है ना, प्रोग्रेस इंडिकेटर, इसका जो स्टाइल है वो अगर आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कर सकते हैं आप उसके करंट पोजीशन की मदद से, और प्रोग्रेस बार उसके कलर्स आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्रेस बार कलर्स के अंदर आप उसको प्लेड कलर, उसमें मैं कलर दे दूँगा कलर्स डॉट ग्रीन, ठीक है। वैसे ही हैंडल का कलर आप यूज़ कर सकते हैं कलर्स डॉट ग्रीन, लाइक दिस। उसके बाद आप इस एक्सपांडेड भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ट्रू, ठीक है। अगर आपको कंट्रोलर्स में यहाँ पे बॉटम एक्शंस में अगर आपको यहाँ स्पीड का भी ऐड करना है कि कितने स्पीड से वो चलना चाहिए, तो उसके लिए भी एक प्लेबैक स्पीड मेथड अवेलेबल है। इसकी मदद से आप यहाँ पे स्पीड भी ऐड कर सकते हैं कि कितने स्पीड पर वो वीडियो चलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लेयर ऐड। अब हम लिस्ट व्यू, जो यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड है, इसको ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए आपको एक एक्सपांडेड लगेगा, ठीक है। इसमें हम एक लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अब आपको कितने इसमें आइटम्स चाहिए वो सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइटम काउंट हम कर लेते हैं यहाँ पे कितनी होना। तो वीडियोस, ये जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी ना, इसका काम अब आएगा, ठीक है। तो वीडियोस की लिस्ट कि जितनी भी लेंथ है वो यहाँ पे, और बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स दो चीज़ें हम पास करेंगे, और इसमें हम क्रिएट करेंगे हमारा नेक्स्ट। ये रिटर्न करेगा एक फाइल, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वीडियो लिस्ट व्यू, जिसमें क्या होगा, ये सारी जो जो लिस्ट के टाइल्स है, लिस्ट के जो कार्ड्स है, वो यहाँ पे इस मेथड में हम वो डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको दो चीज़ें पास करनी होगी, एक वीडियो जो हम लिस्ट के थ्रू हम उसको पास करेंगे, ठीक है। कौन सा वीडियो हमें डिस्प्ले करना है, जब भी इस वीडियो पे क्लिक होगा, ठीक है, इस लिस्ट के आइटम पर, तो हमें उसको बताना है कि कौन सा वीडियो प्ले करना है यूट्यूब कंट्रोलर को, राइट। तो हम यूट्यूब कंट्रोलर को बोलेंगे, भैया ये वीडियो क्लिक हुआ है तो इसमें प्लेलिस्ट में से आप इसका इंडेक्स फाइंड करिए और उसकी आईडी निकाल के यहाँ पे प्ले कीजिए, और यहाँ पे वो प्ले मेथड से वो प्ले कर देंगे।
अब बात आती है कि वीडियो लिस्ट व्यू को कैसे क्रिएट किया जाए, राइट। तो इसको करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करना होगा, वीडियो लिस्ट व्यू डॉट डार्ट। अब इस फाइल में हम लोग जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं उसको हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट कर देता हूँ, उसको नाम मैं दे देता हूँ वीडियो लिस्ट व्यू, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो जो चीज़ें हमने यहाँ से पास की है उसको हमको यहाँ पे फेच करना होगा। को करने से पहले यहाँ पे हम पैकेज ऐड कर देते हैं, पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डॉट, ठीक है। अब सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी होगी वीडियो, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हम बोलेंगे एक हमें थंबनेल यूआरएल चाहिए जो हमें डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ थंबनेल यूआरएल क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। वैसे ही हमें एक स्ट्रिंग भी लगेगी जो बोलेंगे हम टाइटल के लिए, वैसे ही हमें एक डिस्क्रिप्शन लगेगा। ये थंबनेल, ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन, तीन चीज़ें हमें लगेगी, राइट। और इसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो आपको पता है कि किस तरीके से करते हैं, हमने पिछले इसमें किया था थंबनेल यूआरएल, वैसे ही रिक्वायर्ड हम करेंगे दिस डॉट टाइटल, और एक चीज़ हमें चाहिए जो है डिस्क्रिप्शन। ये हो गया हमारा वीडियो का क्रिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर उसका यूज़ करके हम लोग डिस्प्ले करेंगे चीज़ों को, तो हम यहाँ पे फाइनल वीडियो क्रिएट करेंगे, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद में एक कॉल बैक हम क्रिएट करेंगे, इसको मैं बोलूँगा वॉइड कॉल बैक ऑन वीडियो टैप। जब भी वीडियो पे क्लिक होगा तो यहाँ से एक कॉल बैक जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर ऑन वीडियो टैप। उसी कॉल बैक की मदद से हम लोग यहाँ पे वीडियो को प्ले करवाएंगे, ठीक है। जब भी यहाँ पे क्लिक होगा इस वीडियो पे तो यहाँ पे एक कॉल बैक क्रिएट होगा, ठीक है। वॉइड कॉल बैक लाइक दिस, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए वीडियो लिस्ट व्यू के अंदर, तो इसको इनिशियलाइज़ पहले करना ही होगा, नहीं तो वो एरर शो करेगा, रिक्वायर्ड दिस डॉट वीडियो, ठीक है। वैसे ही रिक्वायर्ड दिस डॉट ऑन वीडियो टैप, एक कॉल बैक हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ करेंगे, ठीक है। अब आता है कि लिस्ट टाइल को कैसे ऐड किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट टाइल ऐड करेंगे। इसके अंदर हम उसको लीडिंग बोलेंगे, कि लीडिंग में हमें एक इमेज चाहिए, तो हम उसके लिए कंटेनर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमें एक चाइल्ड ऐड करना है जिसको हम बोलेंगे इमेज। वो इमेज हम कहाँ से लेंगे, जो भी इस वीडियो में हमने पास किया है, राइट। इसके अंदर हमने, आपको याद होगा, तो थंबनेल यूआरएल टाइटल और डिस्क्रिप्शन तीनों चीज़ें हैं हमारे पास, तो उसी का यूज़ करके मैं यहाँ पे ये यूआरएल ले लूँगा, ठीक है। अब इसको फिट करना है, अगर आपको बॉक्स के अंदर, तो आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ फिट बॉक्स कवर, बॉक्स फिट डॉट कवर, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे हाइट और विड्थ उसकी मेंटेन करना है इमेज की, तो आप वो भी कर सकते हैं यूजिंग कंटेनर। यहाँ पे हाइट में दे दूँगा 100 और विड्थ भी मैं दे देता हूँ 100, ठीक है। अब इस लिस्ट टाइल में हम लोग इसको देंगे टाइटल, टाइटल में हम पास करेंगे टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट कहाँ से आ रही है, वीडियो डॉट टाइटल में से, ये टाइटल में से, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और स्टाइल आपको करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल में दे दूँगा इसको फॉन्ट वेट, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे टेक्स्ट को, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाली टेक्स्ट है उसका भी सेट करेंगे, उससे पहले यहाँ पे फॉन्ट साइज़ में ऐड कर देता हूँ 18 हम दे देते हैं इसको। अब नेक्स्ट चीज़ आपको लगेगी एक सबटाइटल, ठीक है। अब लिस्ट टाइल में तीन चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहती है, एक लीडिंग जो भी आपको स्टार्ट में शो करना है, एक टाइटल, और अगर आपको सबटाइटल ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सबटाइटल के लिए, सबटाइटल ऐड करने के लिए आपको टेक्स्ट में जो भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको इसको भी स्टाइल करना है, आप कर सकते हैं टेक्स्ट स्टाइल की मदद से, और उसको मैं फॉन्ट साइज़ दे दूँगा 18, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ हैंडल करनी होगी, कि जब भी इस पर क्लिक होगा हमें एक कॉल बैक कॉल करना है ऑन वीडियो टैप। जैसे ही ये कॉल होगा इसको इन्फॉर्मेशन आएगी कि कोई तो लिंक क्लिक हुई है यहाँ पर, तो उस वीडियो पे
क्या करना है, प्लेलिस्ट में जो भी इंडेक्स है यानी फर्स्ट वीडियो क्लिक हुआ तो यहाँ से निकालो फर्स्ट वीडियो की आईडी और ये वीडियो यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैंडल होती है। और यहाँ पे हमको वो फाइल ऐड करनी होगी वीडियो लिस्ट व्यू डॉट डॉट, तो इस तरीके से वो चीज़ें चलेगी। अब एरर्स को सॉल्व कर देते हैं कि जो जो एरर्स आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है, वीडियो लिस्ट व्यू में क्या एरर आ रहा है वो देख लेते हैं। इस कंटेनर को रैप कर देते हैं पैडिंग में, तो आपको ये जो स्पेसिंग यहाँ पे दिख रही है ना कार्ड्स में, ये सारी विजिबल हो जाएगी, नहीं तो ये एक के नीचे एक पूरा मतलब मैस्ड अब दिखेगा। इससे अच्छा है कि पैडिंग ऐड कर देते हैं, राइट, ठीक है। कोर्स डिटेल स्क्रीन में आपको एक और चीज़ करनी होती है, अपने मोबाइल ऐप का परफॉर्मेंस अगर आपको प्रॉपर रखना है तो आपको ये मेथड यूज़ करनी चाहिए यहाँ पे। अदरवाइज़ क्या होगा, मेमोरी रिसोर्सेज फ्री नहीं होगी तो आपका ऐप हैंग भी हो सकता है। टाइम टू टाइम मेमोरी को प्रॉपरली क्लीन करने के लिए आप उसके लिए डिस्पोज मेथड यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब इसको आप रन करते हैं ऐप को, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंप्लीट प्लेयर है और सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। यहाँ पे पैडिंग की कमी आपको दिख रही होगी, स्पेसिंग प्रॉपर नहीं ऐड हुई है, तो वो चीज़ यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कंटेनर को हमने यहाँ पे पैडिंग दे दी है, राइट, तो सबसे पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हमको लिस्ट को पैडिंग देनी है ताकि वो लिस्ट को प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड करे, लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपरली स्पेसिंग आ चुकी है लिस्ट टाइल में, तो आप लिस्ट टाइल के अंदर पैडिंग ऐड करेंगे तो वो लिस्ट को ही देगा, राइट। कंटेनर में ऐड करेंगे तो कंटेनर को देगा, सिंपल। तो एक बार मैं फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें की। सबसे पहले हमने होम स्क्रीन पर आए, ठीक है, ये हमने पिछले एपिसोड में क्रिएट किया था। अब यहाँ से जब भी क्लिक होता है तो उस पर हमने एक जेस्चर डिटेक्टर ऐड किया और उसको पुश किया कौन से स्क्रीन पे, कोर्स डिटेल स्क्रीन पे। कोर्स डिटेल स्क्रीन से वो इस स्क्रीन पर आया। अब कोर्स डिटेल स्क्रीन में हमने क्या किए, हमने पहले तो सबसे पहले एक कंट्रोलर हमने इंस्टॉल किया जो है YouTube प्लेयर कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद में हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की जो हमको यहाँ पे डिस्प्ले करनी थी, तो मैंने यूट्यूब से उसकी आईडी निकाल के यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद में हमने वीडियोस का एक लिस्ट बनाई जो इस मॉडल को फॉलो करेंगी, ठीक है, इस क्लास को। ये हमने एक सेपरेट क्लास क्रिएट की हुई है जिसमें हमने टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीज़ें ऐड की हुई है यहाँ पर, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर इनिट स्टेट मेथड में जब भी ये पेज लोड होता है उस केस में हमने यूट्यूब प्लेयर कंट्रोलर को इनिशियलाइज़ किया कि पहली बार जो वीडियो डिस्प्ले करना है वो है जो भी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है, आईडी है वो तुम लेके यहाँ पे इसको आईडी दे दो, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कंट्रोलर असाइन हो गया, ठीक है। उसमें हमने कुछ फ्लैग्स भी ऐड कर दिए कि ऑटो प्ले मत करना वीडियो को, म्यूट मत करना वीडियो को, ठीक है, ये चीज़ें ऐड की। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक ऐप बार, फिर जो UI डिज़ाइनिंग है वो हमने क्रिएट करना शुरू किए। ऐप बार के अंदर हमने हेडिंग डाला, ठीक है, फिर हमने कॉलम विजिट के मदद से एक प्लेयर यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, और एक लिस्ट व्यू ऐड की। अब प्लेयर कैसे ऐड किया, YouTube प्लेयर की मदद से एक कंट्रोलर जो हमने ऊपर क्रिएट किया था वो, और प्रोग्रेस, फिर जो उसके मतलब जो एक्शंस है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना, डिज़ाइन करना है, जैसे वीडियो प्रोग्रेस इंडिकेटर आपको शो करना है कि नहीं, बॉटम एक्शन में आपको प्लेबैक स्पीड बटन मतलब कितने स्पीड पर वीडियो चलाना है वो ऑप्शन देना है या नहीं, प्रोग्रेस बार का अगर आपको हैंडलिंग करना है तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। फिर लिस्ट व्यू बिल्डर की मदद से हमने जितने भी इस लिस्ट में वीडियोस थे वो सारे यहाँ पे लेंथ आएंगे, उसकी लेंथ लेके यहाँ पे आइटम काउंट असाइन किए, और इसके अंदर वीडियो लिस्ट व्यू के अंदर हमने एक नई फाइल बनाई वीडियो लिस्ट व्यू, उसके अंदर हमने जो ये हमारा डिज़ाइनिंग था लिस्ट टाइल ये हमने डिज़ाइन किया। अब लिस्ट टाइल के अंदर हमने लीडिंग की मदद से थंबनेल ऐड किया, टाइटल की मदद से टाइटल, और सब टाइटल की मदद से ये डिस्क्रिप्शन ऐड किया, ठीक है। अब इस वीडियो पे जब भी क्लिक होगा, जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक नेक्स्ट वीडियो, दूसरा वीडियो प्ले होगा, तो वो कैसे होगा, जैसे ही क्लिक हुआ तो ऑन वीडियो टैप नाम का मैंने एक कॉल बैक यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। फिर जब भी ये क्लिक होगा तो यहाँ पर कोर्स डिटेल स्क्रीन में हम उसको एक कॉल बैक देंगे कि यहाँ पे क्लिक हुआ है और जो भी हैंडलिंग हमें करना था कि यूट्यूब कंट्रोलर को हमको फिर से एक बार रीलोड करना होगा
और बताना होगा कि प्लेलिस्ट में ये इंडेक्स पे जो भी वीडियो है आईडी उसको लेके उसको प्ले करो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो लिस्ट आ रही है इसको हमको फायरबेस डेटाबेस से फेच करना है, तो किस तरीके से वो करे वो सारी चीज़ें हैंडल हम इस ऐप में करेंगे। आई होप कि आपको फ्लटर में ग्रिड व्यू के क्लिक इवेंट पे नेक्स्ट पेज पर कैसे जाते हैं, उसके बाद में उसमें वीडियो प्लेयर कैसे ऐड करते हैं, लिस्ट व्यू कैसे ऐड करते हैं, इस वीडियो में आपके वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। कोडिंग से रिलेटेड सारी प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, सिंप्लीफाइड वे में कोडिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। आज के वीडियो में हम दो चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी इमेज, पीडीएफ या MP4 फाइल्स को अपलोड कैसे किया जाता है फायरबेस स्टोरेज में, जो भी इमेज वहाँ पे अपलोड हुई है उसको फेच कैसे किया जाता है, और फायर स्टोर में उसको हम स्टोर करेंगे, ठीक है। पिछले एपिसोड्स में हमने कवर किए थे कि ग्रिड व्यू कैसे क्रिएट करना, उस ग्रिड व्यू के कोई भी एलिमेंट पे क्लिक होता है तो हमने एक यूट्यूब प्लेयर ओपन किया था, उस यूट्यूब प्लेयर में एक डिफ़ॉल्ट प्लेलिस्ट हमने डिस्प्ले की थी, राइट। वहाँ पे जो लिस्ट आ रही थी प्लेलिस्ट, वो हमने एक सेपरेट लिस्ट खुद बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट की थी कोड के अंदर। आज हम उसको एक ऐड वीडियो डिटेल्स की स्क्रीन से ऐड करेंगे, और उसी में हम हमारी इमेज वाला जो फीचर है वो ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उन पूरी डिटेल्स को, जिसमें वीडियो टाइटल, वीडियो डिस्क्रिप्शन और वीडियो आईडी और एक थंबनेल यूआरएल, ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे फायर स्टोर में, और वहाँ से जो भी डेटा स्टोर होगा उसको हम प्लेलिस्ट के लिस्ट में डिस्प्ले करेंगे यूजिंग लिस्ट व्यू। तो ये पूरा टास्क आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। फ्लटर प्लेलिस्ट आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस सीरीज़ में हम बेसिक से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे, जिसमें हम चैटबॉट और AI रिलेटेड स्टफ़ भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो फ्लटर सीरीज़ को सपोर्ट ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि कोडिंग कम्युनिटी में आप और हम दोनों ग्रो कर पाए और साथ में चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाए। तो अब गाइस सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से इस टास्क को हम इम्प्लीमेंट करें। ओके गाइस, अब एक प्रैक्टिकल डेमो देख लेते कि एग्जैक्टली हम लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फ्लटर पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो लिस्ट आ रही है ना, ये आ रही है हमारी फायर स्टोर से, फायर बेस से, और जो ये जो डिटेल्स है ये सारी डिटेल्स हम ये वाले स्क्रीन पे ऐड करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ये वाली स्क्रीन को क्रिएट करते हैं ऐड वीडियो डिटेल्स, जिसमें हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वीडियो आईडी और एक इमेज थंबनेल यूआरएल प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी टाइप की फ़ाइल ऐड कर सकते हैं, वो इमेज हो, MP4 फाइल्स हो या PDF हो, पर अभी इस वीडियो में हमें इमेज की रिक्वायरमेंट है तो हम इमेज अपलोड करेंगे, ठीक है। और ऐड डिटेल्स करने पर जो भी डिटेल्स ऐड होगी वो इस लिस्ट में हम डिस्प्ले करेंगे। तो ये है हमारा आज का टास्क। अब पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हमने एक प्लेलिस्ट नाम का एक लिस्ट बनाया था, ठीक है। वैसे ही एक वीडियो उसका बनाया था जिसमें हमने थंबनेल यूआरएल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले किया था। तो सबसे पहले अब हम इसको कमेंट आउट करेंगे, ठीक है। अगर आपने पिछला एपिसोड कवर नहीं किया है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दी है, आप उसे ज़रूर देखें क्योंकि उसी से ही कनेक्टेड ये वीडियो रहेगा, ठीक है। तो कोर्स डिटेल्स स्क्रीन हमने क्रिएट किए थे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट करेंगे, जो हमने पिछले एपिसोड में नहीं किया था। तो यहाँ पर उसके लिए आपको फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड करना होता है, फ्लोटिंग एक्शन बटन, और उसमें ऑन प्रेस्ड इवेंट हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऑन प्रेस्ड इवेंट पे आप यहाँ पे उसको बोलेंगे कि हमें नेक्स्ट स्क्रीन पर जाना है, उसको मैं नाम दे देता हूँ कोर्स डिटेल्स, ठीक है। ये वाली स्क्रीन पे हमें नेविगेट करने के लिए हमें उसे बोलना है, और हमें एक आइकन यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो आइकन्स डॉट एरो फॉरवर्ड नाम का आइकन मैं दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा। ये हो गया हमारा जो बेसिक सेटिंग है आइकन्स का, ठीक है। अब आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, इसको मैं सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ। अब आपको यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, जिसको मैं बोलूँगा कोर्स डिटेल्स डॉट डार्ट, ठीक है। कोर्स डिटेल्स डॉट डार्ट में हम एक स्टेटफुल विजेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसको मैं नाम दे देता हूँ कोर्स डिटेल्स, लाइक दिस। और एक पैकेज हम इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे,
इम्पोर्ट पैकेज, इसमें हम बोलेंगे फ्लटर फ्लटर मटेरियल डॉट डाट, ठीक है। ये एक पैकेज मैंने ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है कि रजिस्टर पेज में जो हमने UI क्रिएट किए थे ना, जिसमें हमने फॉर्म से डिटेल्स लिए थे यूज़र से, वही सारी डिटेल्स हम इसमें भी लेंगे, ठीक है। तो वो वाला कोड मैं यहाँ से रीयूज़ कर लेता हूँ, तो उसमें टाइम सेविंग बहुत हो जाएगा। यहाँ से मैं चाइल्ड ले लेता हूँ और स्कैफोल्ड का पूरा कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, स्कैफोल्ड का, ठीक है। यहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूँ मैं, इसके अंदर मैं चाइल्ड ऐड करके स्कैफोल्ड का पूरा कोड मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब आपको जैसे पता है कि इसमें जो भी डिटेल हम ऐड करेंगे ना, उसके लिए हमको कंट्रोलर्स लगेंगे, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे मैं कंट्रोलर्स क्रिएट कर देता हूँ। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, मैं बोलूँगा वीडियो नेम कंट्रोलर, जिसमें हम टाइटल ऐड करेंगे, ठीक है। इसको मैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर 1 दे देता हूँ। वैसे ही हमें दो और कंट्रोलर चाहिए, जिसको हम बोलेंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर और एक वीडियो आईडी कंट्रोलर, ठीक है। एक हमें इमेज URL लगेगा, वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, और एक हमें थंबनेल URL लगेगा, ठीक है। ये कब यूज़ होगा मैं आपको समझाता हूँ। ये एक्चुअली जब यहाँ पे जब इमेज पे सिलेक्ट करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम एक इमेज URL लेंगे, फिर ये डेटा स्टोर होगा फायरबेस में, ठीक है, फायरबेस स्टोरेज में। फिर वहाँ से जब वो डेटा स्टोर होके फेच होगा हमारे ऐप के अंदर, तो हम उसको इस वाले वेरिएबल में कैच करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको ऐड वीडियो डिटेल्स कर देता हूँ, और हम हमारे कंट्रोलर्स को चेंज कर देते हैं। जैसे वीडियो नेम कंट्रोलर हो जाएगा, ये हो जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर, और इसको मैं दे देता हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे नेम की जगह हम दे देते हैं वीडियो टाइटल, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको वीडियो आईडी कंट्रोलर दे देते हैं, और ऑब्स्कर टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये टेक्स्ट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर ये पासवर्ड ऑब्स्कर टेक्स्ट ट्रू रहेगा तो ये पासवर्ड जैसा दिखेगा, तो ये हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं टू फॉल्स। ये हो गया हमारा वीडियो आईडी। अब हमें यहाँ पे एक इमेज वाला क्रिएट करना पड़ेगा सेक्शन, तो उसको मैं यहाँ पे अभी ऐसे रिमूव कर देता हूँ, देखते हैं उसको, ठीक है। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये विजिबल हो रहा है, ऐप फ्लटर रन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ करना होगा, इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। इससे क्या होगा, जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर था ना, पहले हमने यहाँ पे इमेज ऐड किया था, अब इस वीडियो में इस एपिसोड में हम इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे वाइट कलर का, ठीक है। अब ये जो स्पेसिंग आ रही है इन दोनों के बीच में, इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ पे मैं इसको 20 कर देता हूँ, तो ये प्रॉपर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी स्पेसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक सेक्शन ऐड करना है, जिसमें हमें इमेज कैच करना है सिलेक्ट करके, और उसको यहाँ पे डाउनलोड करके डिस्प्ले कराना है। उसके लिए हमें यहाँ पे दो सेक्शन लगेंगे, राइट। तो एक रो के अंदर मैं एक इमेज और एक बटन ऐड कर देता हूँ, उसके लिए हमें दो सेक्शन लगेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक इमेज सिलेक्टर और एक बटन, तो एक रो के अंदर हमें दो चीज़ें ऐड करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैं उसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके लिए हम एक सेंटर विजिट ले लेते हैं, ठीक है। उस सेंटर विजिट में हम एक चाइल्ड ऐड कर देते हैं, जिसके अंदर हमें रो ऐड करना है, ठीक है। इस रो के दो एलिमेंट्स रहेंगे चिल्ड्रन, और इसमें हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट बोल देते हैं कि वो स्टार्ट से ही शुरू हो। चिल्ड्रन में हमें अभी सबसे पहले एक लगेगा कंटेनर, जिसके अंदर हम इमेज को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक्सपांडेड विजेट की मदद से यहाँ पे एक कंटेनर को ऐड करेंगे। उस कंटेनर के अंदर हमें उसकी हाइट सेट करना होगा, जो हम बोलेंगे 200। उसकी विड्थ मैं सेट कर देता हूँ 200। उसको मैं डेकोरेशन दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि उसकी बॉर्डर वगैरह हमें प्रॉपर दिखे। तो बॉक्स डेकोरेशन की मदद से आप वो कर सकते हैं। उसकी बॉर्डर मैं देता हूँ बॉर्डर डॉट ऑल, ठीक है। उसको हम कलर दे देंगे ब्लैक कलर, लाइक दिस। उसकी विड्थ हम बोलते हैं 1.0, और स्टाइल उसकी हम बोलेंगे सॉलिड, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल डॉट सॉलिड। अब उसके चाइल्ड में हम उसका इमेज डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। जो भी इमेज आ रही है
उसको हम यहाँ पे अगर अब यहाँ पे चेक लगाएंगे हम लोग, अगर इमेज यूआरएल नल नहीं है, मतलब एक बटन क्रिएट करके उस पर जब क्लिक करेंगे तो अगर वो इमेज जो सिलेक्ट की हुई है वो अगर नल नहीं है तो हम बोलेंगे कि इमेज जो अपलोड हुई है नेटवर्क से, जो भी इमेज मिली है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करो, और हम उसको नाम दे देंगे इमेज यूआरएल, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक प्लेस होल्डर बस दिखा दो कि यहाँ पे एक इमेज आने वाली है, इमेज नॉट इक्वल टू नल है, तो उसको चेक करो कि इमेज का जो यूआरएल है वो कौन सा है, वो लेके यहाँ पे डिस्प्ले करो, अदरवाइज़ यहाँ पे सिर्फ प्लेस होल्डर डिस्प्ले करो, ठीक है। इसके बाद हम एक बटन ऐड कर देते हैं, एक एलिवेटेड बटन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एलिवेटेड बटन, ठीक है। उसके ऑन प्रेस इवेंट पे हम एक मेथड कॉल करेंगे जिसको हम बोलेंगे सिलेक्ट फाइल, ठीक है। इस सिलेक्ट फाइल की मदद से हम जो भी हमें सिलेक्ट करना है वो करेंगे, और टेक्स्ट फाइल यहाँ पे जो टेक्स्ट हमें शो करना है तो हम बोलेंगे सिलेक्ट फाइल, ठीक है। उस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा स्टाइल दे देंगे। अब इस बटन को स्टाइल देने के लिए यानी हमें थोड़ा सा उसको कलर वलर देना पड़ेगा बटन को, तो बटन स्टाइल मैं दे देता हूँ। उसका बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देते हैं मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी डॉट ऑल की मदद से, ठीक है। यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कलर, और उसका कलर हम सेट कर देंगे कलर्स डॉट ब्लैक मटेरियल प्रॉपर्टी की मदद से, ठीक है। ये हो गया हमारा बटन स्टाइल। अब सिलेक्ट फाइल क्या है, सिलेक्ट फाइल में जो भी हम चीज़ें ऐड करेंगे ना, मतलब पहले इसको रन कर देते हैं, इसको मैं अभी के लिए ऐसे कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का वो क्रिएट हुआ, ठीक है। अब ऑन प्रेस इवेंट पे हम यहाँ पे एक सिलेक्ट फाइल नाम की मेथड क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम यहाँ पे इमेज को गैलरी में से सिलेक्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सिलेक्ट फाइल के लिए यहाँ पे एक क्रिएट करना पड़ेगा मेथड, ठीक है। सिलेक्ट फाइल नाम का मेथड मैं बोलता हूँ, और उसको हम असिंक कर देंगे ताकि जब तक कुछ ऑपरेशंस नहीं हो तब तक आगे की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं फ्यूचर दे देता हूँ और वाइट, ठीक है। अब आपको लेना है इमेज, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे फाइल पिकर डॉट प्लेटफॉर्म डॉट पिक फाइल्स, ठीक है। इसकी मदद से हम इमेज या फाइल को पिक करेंगे, और इसको हम स्टोर करेंगे फाइल पिकर रिजल्ट, जिसको हम नाम दे देंगे रिजल्ट वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल में हम उस फाइल को पिक करेंगे, अगर ये फाइल अवेलेबल है यानी अगर ये फाइल नल नहीं है तो हम उसका पाथ निकालेंगे, फाइल्स डॉट सिंगल डॉट पाथ, और इसको स्टोर करेंगे हम लोग फाइल नाम के वेरिएबल में, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ से उस फाइल का पाथ मिल चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स इंपोर्ट करना होगा डॉट डॉट आयो, ठीक है। आयो फाइल आपको इंपोर्ट करना है, HTML वाली नहीं, ठीक है। अब यहाँ से फाइल अपलोड किए, अब हमें फाइल का पाथ मिल चुका है, तो अब हम उस फाइल को अपलोड करेंगे इस मेथड के थ्रू। अब ये मेथड क्रिएटेड नहीं है, इसको भी हम क्रिएट करेंगे अभी। इस मेथड में वो अपलोड होगा, और जब तक ये फाइल अपलोड नहीं होगी तब तक वो वेट करेगा, ठीक है। जब वो अपलोड हो जाएगी तो उसमें से हमको एक URL मिलेगा जिसको हम बोलेंगे अपलोडेड इमेज URL। इस URL में वो इमेज का जो भी पाथ रहेगा वो हमें मिल जाएगा जो सर्वर पे अपलोड हुआ है, ठीक है। फिर वो चेक करेंगे कि अगर वो नल नहीं है, अपलोडेड इमेज URL अगर वो नल नहीं है और वो एम्प्टी भी नहीं है तो हम रिफ्रेश करेंगे स्क्रीन को, और हम बोलेंगे कि इमेज URL जो भी है वो हमारा हो जाएगा अपलोडेड इमेज URL, ठीक है। अब इस मेथड में हमने फाइल को सिलेक्ट करके इमेज को डिस्प्ले तो करा दिया, ठीक है। अब अपलोड कैसे होगी फाइल वो अब देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको सेम वैसे ही करना है, अपलोड फाइल नाम की मेथड हम क्रिएट करेंगे असिंक, ठीक है। इसको मैं फ्यूचर दे देता हूँ, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग जो होगा URL। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड फाइल में हम एक URL की डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें वो स्ट्रिंग के थ्रू उसको भेजना है, ठीक है। तो ये हो गया, अब अपलोड फाइल में हमें एक फाइल का जो पाथ है वो लेना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले उस फाइल के पाथ को में से जो लास्ट नेम है
उसको मैं ले लेता हूँ पहले, ताकि फाइल का नाम सर्वर पर प्रॉपर स्टोर हो, और उसका लास्ट उसको प्रॉपरली ऐसे देना होगा लास्ट, ठीक है। इसको हम ले लेंगे फाइल नेम। अब हम क्या करेंगे, फायरबेस स्टोरेज में इसको स्टोर करेंगे। तो फायरबेस स्टोरेज में इंस्टेंस के अंदर रेफरेंस हम बोलेंगे इस चाइल्ड को, किस चाइल्ड को, फाइल नेम को स्टोर करो, और उसका जो भी रेफरेंस पॉइंट है, मतलब जो भी रेफरेंस है, वो हमें रिटर्न में प्रोवाइड करें। तो हम उसको बोलेंगे स्टोरेज रेफरेंस, ठीक है। यहाँ से हमें इस फाइल का रेफरेंस मिल गया। अब हम उसको स्टोरेज रेफरेंस के अंदर पुट फाइल करके स्टोर कर देंगे, राइट कर देंगे मतलब, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे अपलोड टास्क, इसको हम बोलेंगे अपलोड टास्क। अब जब तक ये अपलोड हो रहा है, तब तक हम चीज़ों को वेट करेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे अपलोड टास्क व्हेन कंप्लीट, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे जैसे प्रोग्रेस दिखाना है या कुछ दिखाना है तो आप वो कर सकते हैं। पर उसको मैं एक स्नैपशॉट में ले लूँगा, जिसको मैं बोलूँगा टास्क स्नैपशॉट, ठीक है, स्नैपशॉट। और इसको वेट करेंगे अपन, जब ये कंप्लीट हो जाएगा स्नैपशॉट, तो हम वहाँ से चेक करेंगे कि स्नैपशॉट डॉट स्टेट अगर सक्सेस हो चुकी है, तो हम उसको टास्क स्टेट डॉट सक्सेस की मदद से चेक करेंगे। अगर ये सक्सेस हो चुकी है तो हम उसका जो भी URL रहेगा रेफरेंस का, वो हम गेट करेंगे डाउनलोड URL, और उसको स्टोर करेंगे हम हमारे रिटर्न वेरिएबल में, जो हमें रिटर्न करना है, ठीक है। अब जब तक यहाँ पे डाउनलोड URL उसको मिले, अब एक बार उसको मिल गया तो हम बोलेंगे कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली सक्सेसफुली, और जो भी डाउनलोड URL है आप उसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, थंबनेल URL लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे थंबनेल URL, इसको आपको ऑप्शनल चेक लगाना होगा, ठीक है। एल्स हम बोलेंगे कि फाइल अपलोड नहीं हुई है, फाइल अपलोड फेल, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे नल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपलोड फाइल और सिलेक्ट फाइल। अब हमें यहाँ पे जब ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स ऐड करना है, ठीक है। इमेज के साथ में ये सारी चीज़ें ऐड भी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ऐड डिटेल्स का एक बटन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको आना होगा नीचे, फिर से एक पूरा बटन ऐड करने के लिए हम यहाँ पे मैं एक कंटेनर ऐड कर देता हूँ, उसमें मैं पैडिंग ऐड कर दूँगा, जिसको मैं बोलूँगा लेफ़्ट और राइट से हमें एक बटन की स्पेसिंग चाहिए, तो मैं उसमें सिमेट्रिक का यूज़ करके दे सकता हूँ कि हॉरिजेंटल में इतनी स्पेसिंग प्रोवाइड करो, ठीक है। उसका कलर हम बटन का दे देंगे कलर्स डॉट ब्लैक, उस कंटेनर का बटन हम कलर हम दे देंगे ब्लैक कलर, और उसके चाइल्ड में अब हम दो चीज़ें ऐड करेंगे, एक रो, ठीक है। उस रो का क्या होगा, उस रो में हम दो चीज़ें ऐड करेंगे, एक एलिवेटेड बटन और एक टेक्स्ट, ताकि हमें ऐड डिटेल्स का जो लुक एंड फील है वो भी प्रॉपर प्रोवाइड हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक्सपांडेड की मदद से यहाँ पे एक चाइल्ड ऐड करता हूँ, उसमें हम एक एलिवेटेड बटन ऐड करेंगे लाइक दिस, ठीक है। एलिवेटेड बटन के ऑन प्रेस्ड इवेंट पे हमें कुछ तो एक मेथड कॉल करना होगा, ठीक है, और उसकी स्टाइल हम प्रोवाइड कर देंगे। स्टाइल में हम बोलेंगे कि एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, ठीक है। उसका कलर हम दे देंगे ब्लैक कलर, और उसकी पैडिंग हम सेट कर देंगे एच इनसेट्स डॉट सिमेट्रिक, और इस बार मैं वर्टिकल स्पेस देता हूँ कितनी 16। ये होगा हमारा बटन ऐड। अब इसके चाइल्ड में हम ऐड करेंगे ऐड डिटेल्स, इसको मैं वीडियो डिटेल्स भी बोल सकता हूँ, ऐड वीडियो डिटेल्स, ठीक है।
इसकी स्टाइलिंग अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे स्टाइल उसका फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं टेक्स्ट स्टाइल। अगर आपको विजेट्स से रिलेटेड, ये जो मैं विजेट्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इसका मैंने एक कंप्लीट ट्यूटोरियल क्रिएट किया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उस वीडियो में हमने UI विजेट्स के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किए थे, राइट। तो आप उसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको रिलोड कर देते हैं, ऐड वीडियो डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इसके क्लिक करने पे हमें एक कॉल बैक क्रिएट करना होगा, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट हमने लिया था, राइट। यहाँ पे मैं बोलूँगा गेट ऐड डिटेल्स कॉल बैक, और यहाँ से हम उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसकी मेथड हम क्रिएट करेंगे नीचे, उसको मैं बोलूँगा void फंक्शन, और उसका नाम हम दे देंगे गेट ऐड डिटेल्स कॉल बैक, और यहाँ से हम एक कॉन्टेक्स्ट वहाँ से लेंगे, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, जो भी ऊपर से आ रहा होगा उसका कॉन्टेक्स्ट हम ले लेंगे। इसको रिटर्न करेंगे हम लोग, ऐड कोर्स डिटेल्स के अंदर, ठीक है। इसमें भी हम कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देंगे। अब ये नाम की मेथड भी हमको क्रिएट करना होगा एक, जिसको मैं बोलूँगा ऐड कोर्स डिटेल, और ऊपर से जो भी कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है उसको लेंगे। ये क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम जब नेविगेट करेंगे ये डिटेल्स ऐड होने के बाद हम इसको होम स्क्रीन पर सेंड करेंगे, तो नेविगेशन के टाइम हमें ये कॉन्टेक्स्ट लगेगा कि कौन से स्क्रीन से किस स्क्रीन पर वो जाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर असिंक ऐड करेंगे। अब हम जो भी डिटेल्स है इसको हम फायर स्टोर में स्टोर करेंगे, तो उसके लिए आपको करना होगा ट्राई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है, फायरबेस एक्सेप्शन अगर आता है तो हम इसको कैच करेंगे और हम बोलेंगे जो भी एरर आ रहा है वो प्रिंट कर दीजिए एरर, ठीक है। अब ट्राई में आपको जो भी आपके कंट्रोलर्स है, जैसे वीडियो नेम कंट्रोलर, तो ये एक्चुअली क्लास के अंदर हमें लिखना होता है, तो ब्रैकेट्स अगर प्रॉपर नहीं है तो वो इशू देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियो नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, इसकी मदद से मैं वीडियो टाइटल यहाँ पे ले लूँगा और इसको मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं नेम ही बोल देता हूँ, वीडियो नेम। उसके बाद आपको स्टोर करना है वीडियो आईडी। वीडियो आईडी के लिए आपको वीडियो आईडी कंट्रोलर एक लगता है टेक्स्ट डॉट ट्रिम, उसके बाद स्ट्रिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ से जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वीडियो का वो हम ले लेंगे और उसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। अब बहुत इजी है, अब इसको बस स्टोर करना है हमें, तो हम यूज़ करेंगे फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। कौन से कलेक्शन में स्टोर करना है, हम बोलेंगे वीडियो डिटेल्स के अंदर उसको स्टोर कर दो, और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है क्रिएट हो जाएगा उसमें सेट कर दो ये सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। सिंपल है। अब यहाँ पे आपको जो जो डिटेल्स ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूँगा वीडियो नेम, तो इसका जो भी नेम होगा वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम बोलेंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो भी है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम वीडियो आईडी भी ले लेते हैं, तो वीडियो आईडी हम यहाँ पे ले रहे हैं तो वीडियो आईडी हमारा मिल गया। एक और चीज़ हमें लगेगी, थंबनेल यूआरएल, थंबनेल यूआरएल ये हमने स्टोर किया था थंबनेल यूआरएल के अंदर, ठीक है। और एक हम ऐड कर देते हैं कि कब ये वीडियो ऐड हो रहा है, तो हम उसको क्रिएटेड ऐड बोलते हैं, और डेट टाइम जो भी होगा वो निकाल के यहाँ पे ऐड कर दें। सारी डिटेल्स अगर सक्सेसफुली हो जाती है तो हम प्रिंट कर देंगे कि वीडियो डिटेल्स आर एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। और उसको हम नेविगेटर की मदद से नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड, उसको हम होम स्क्रीन पर उसको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आफ्टर ऑल द डिटेल्स, ये जितने भी डिटेल्स यहाँ पे ऐड होगी
इसके क्लिक करने पर वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पर, बैक अपनी जगह पर, होम स्क्रीन पर। अब यहाँ पे बैक करने के लिए कुछ फीचर नहीं है, तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऐप बार ऐड करना होगा, तो वो एक चीज़ कर लेते हैं ताकि नेविगेशन प्रॉपर हो जाए ऐप का, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ऐप बार ऐड करेंगे हम लोग, ऐप बार, ठीक है। उसके बैकग्राउंड कलर को सेट करेंगे हम लोग ब्लैक कलर, और लीडिंग में हम ऐड करेंगे एक बटन को, तो उसको हम बोलेंगे आइकन बटन ऐड हो जा, और उसमें हम आइकन सेट करेंगे जिसको हम बोलेंगे आइकन, एक आइकन्स डॉट एरो बैक, ठीक है। इस आइकन की मदद से हम पीछे जा सकेंगे, और इसके ऑन प्रेस इवेंट पे हम नेविगेटर डॉट पॉप कर देंगे ताकि जो भी स्क्रीन से ये आया होगा उसी स्क्रीन पर ये वापस चले जाए ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैक भी आ सकते हैं। ये हो गया हमारा कोर्स डिटेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे स्पेस ऐड हो गई, तो उसके लिए आप यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक नंबर दे सकते हैं 40, ताकि वो स्पेसिंग यहाँ पे प्रॉपर हो जाए। अब हमारा जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि जब भी ये डिटेल्स ऐड होगी वो इस स्क्रीन पर यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपको आना होगा अपने कोर्स डिटेल्स की स्क्रीन पर। इतना जो पार्ट था ना हमारा वीडियो प्लेयर तक, इस यहाँ तक रखना है, और जो लिस्ट वाला कोड था उसको हमने रिमूव कर दिया अभी के लिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्ट्रीम बिल्डर की मदद से हम एक स्ट्रीम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर आपको स्ट्रीम बिल्डर और स्ट्रीम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे अगर डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो एक श्योर क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। स्नैपशॉट, अब इसको स्ट्रीम में हम लेंगे कि फायरबेस फायर स्टोर में जो भी हमारा कलेक्शन का नेम है वो क्या था, वीडियो डिटेल्स, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं पे स्टोर की है हमने। यहाँ से जो भी स्नैपशॉट मिल रहा है उसको ले लो, उसको तुम स्ट्रीम के अंदर ले लो, उसको ले लो, और बिल्डर के अंदर हम अब स्नैपशॉट को फेच करेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डॉट स्नैपशॉट, अब जो भी यानी जो ये जो डिटेल हमने ऐड किया था यहाँ पे, ठीक है, ये डिटेल एक डॉक्यूमेंट की तरीके से उस फायर स्टोर में स्टोर हुई। इस कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको फेच किया, और एक स्नैपशॉट की मदद से हम चेक करेंगे कि इसमें डेटा है क्या, ठीक है। अगर इसमें डेटा अवेलेबल है तो हम बोलेंगे प्रिंट कर दो कि भाई डेटा अवेलेबल है, डेटा इज़ अवेलेबल। अब इसको एक डॉक्यूमेंट्स नाम के वेरिएबल में ले लेते हैं, तो मैं बोलूँगा स्नैपशॉट डॉट डेटा, इसके जितने भी डॉक्स है उसको हम ले लेंगे एक वेरिएबल के अंदर जिसको मैं बोलूँगा लिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट को हम नाम दे देंगे डॉक्यूमेंट्स, और इसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। अब हम एक लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे यहाँ पर, उसके अंदर डेटा डिस्प्ले करेंगे। बेसिक बहुत सिंपल है ये, इतना पार्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हमने डेटा को फेच किया, ठीक है। अब यहाँ पे बस एक लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे, एक्सपांडेड में दे दूँगा ताकि यूआई रिलेटेड इश्यूज आपको नहीं है। एक्सपांडेड के अंदर हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें दो तीन चीज़ें ऐड करना होगा, जिसमें हम बोलेंगे आइटम काउंट, वो होगा कितना, डॉक्यूमेंट्स डॉट लेंथ, जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हमें मिले उसकी पूरी लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। और आइटम बिल्डर के अंदर हम एक इंडेक्स और एक कॉन्टेक्स्ट को सेट करेंगे। यहाँ पे हमने दो चीज़ें ले ली, ठीक है। अब यहाँ से हमें डेटा को फेच करना है, तो हम बोलेंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर पहले इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको निकालो, और उसको टाइपकास्ट कर दो इस स्ट्रिंग और डायनामिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे डेटा जो अवेलेबल है वो एक की फॉर्मेट में, की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर है, तो की हमारी स्ट्रिंग हो गई। जैसे वीडियो नेम हमने दिया तो वो की हो गई, और उसके अंदर जो भी वैल्यू हो गई वो कुछ भी हो सकती है, तो हमने अभी फ़िलहाल डायनामिक दे दिया वहाँ पे, ठीक है। वैसे वो स्ट्रिंग ही है, और इसको हम ले लेंगे स्ट्रिंग डॉट डायनामिक में, ठीक है। डेटा इस वेरिएबल में हमने वो चीज़ें ले ली। अब कुछ नहीं, अब बस आपको उसके थ्रू जो भी आपका की का नेम है वो लेके आप चीज़ों को फेच कर सकते हैं। जैसे थंबनेल यूआरएल है,
अगर ये थंबनेल यूआरएल अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे एम्प्टी को ऐड कर देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। और इसको हम एक थंबनेल यूआरएल नाम के वेरिएबल में ले लेते हैं, थंबनेल यूआरएल लाइक दिस। ऐसे ही आपको सारी चीज़ें फेच करनी है, जिसको मैं बोलूँगा वीडियो नेम। यहाँ पे हम वीडियो नेम कर देंगे और एक वीडियो डिस्क्रिप्शन, वीडियो डिस्क्रिप्शन। और एक चीज़ लगेगी हमें वीडियो आईडी, ठीक है। तो वीडियो आईडी भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, वीडियो आईडी। सबसे पहले इसको इसमें ना एक पैडिंग का एलिमेंट ऐड कर देते हैं, इस लिस्ट व्यू को एक पैडिंग भी मैं ऐड कर देता हूँ, रैप कर देता हूँ पैडिंग में, उसको मैं बोलूँगा 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लिस्ट टाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हमें वो थंबनेल यूआरएल टाइटल और डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए मैं बोलूँगा एक जेस्चर डिटेक्टर हम करेंगे कि उसके क्लिक करने पर उसके चाइल्ड एलिमेंट में हम एक चीज़ ऐड करेंगे, इसमें हम पैडिंग दे देंगे उसको कॉन्स्ट को मैं 10 दे देता हूँ, ठीक है। इसके चाइल्ड में हम एक लिस्ट टाइल क्रिएट करेंगे, जिसके लीडिंग में हम बोलेंगे कि एक इमेज जो थंबनेल यूआरएल आ रहा है उसको डिस्प्ले करो। तो हम उसको बोलेंगे कि इमेज डॉट नेटवर्क से ये थंबनेल यूआरएल आ रहा है, इसको आप कैच करो, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिया। इसके टाइटल में हम डालेंगे टेक्स्ट, जो हम बोलेंगे इस वीडियो नेम से आप उसको ले लो, ठीक है। और इसके सबटाइटल में हम बोलेंगे कि एक टेक्स्ट ले लो, और वो होगा हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन। जेस्चर डिटेक्टर के ऑन टैप इवेंट पे जब भी वो लिस्ट एलिमेंट क्लिक होगी, तो वहाँ पर आपको YouTube कंट्रोलर को बताना है कि कौन सा वीडियो लोड करना है। तो हम बोलेंगे वीडियो आईडी आप लेके उसको प्ले करो, और उसके लिए आपको एक प्ले मेथड यहाँ पे कॉल करना होता है, बेसिक, ठीक है। अब जो एरर्स आ रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रीम बिल्डर हमने बनाया ना, ठीक है, इसमें हमने इफ़ कंडीशन तो लगा दिया, अब इसके एल्स इफ़ में एक ऐड कर देते हैं कि अगर स्नैपशॉट में अगर कुछ भी एरर आता है, हैज एरर, देन रिटर्न, जो भी एरर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, टेक्स्ट, जो भी एरर होगा हम बोलेंगे एरर स्नैपशॉट डॉट एरर यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, एल्स जब तक वो डेटा लोड हो रहा है बैकएंड से आ रहा है, तो यहाँ पे एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर हम एक लोडर यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा मैंने ऑलरेडी एडिट किया हुआ था, ये डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है जो फायरबेस में यहाँ पे एडिड है, ठीक है। ये वीडियो डिटेल्स कलेक्शन में मैंने दो चीज़ें ऐड की हुई है, वही चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि स्टोरेज में अगर आप पहली बार इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये एनेबल करना होता है। तो जैसे ही स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बटन आता है एनेबल, उसको क्लिक करेंगे तो आपका स्टोरेज भी एनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको है ना, ये जो इमेज है ये इमेज डायरेक्टली अपलोड नहीं होगी यहाँ से, क्योंकि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेप्शन आ जाते हैं। तो इसका रियल डिवाइस में मैं एक आउटपुट लेके यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, तो आप उसको प्रैक्टिकली देख सकेंगे कि इमेज को गैलरी में से कैसे लेके मैंने अपलोड किया और डेटा वहाँ पे डिस्प्ले हुआ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं किस तरीके से वीडियो डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ रियल डिवाइस में। ये सारी चीज़ें ऐड करने पर ये डिटेल्स वहाँ ऐड होगी और डिस्प्ले होगी हमारे यूआई पे, हमारी प्लेलिस्ट वाले यूआई पे। आई होप कि आपको इस टास्क में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी कि इमेज को कैसे अपलोड करते हैं, वहाँ पे जो डिटेल्स हम फॉर्म में ऐड कर रहे थे उसको फायरबेस में कैसे स्टोर करें, फिर वहाँ से उन डिटेल्स को कैसे फेच करके प्लेलिस्ट में डिस्प्ले करें। तो एक फुल फ्लेज ऐप आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने साइन इन कवर किया था, क्रिएट अकाउंट, फॉरगॉट पासवर्ड, फिर एक ग्रिड व्यू की मदद से कोर्सेज डिस्प्ले किए, फिर वहाँ से एक प्लेलिस्ट और यूट्यूब कंट्रोलर, फिर एडमिन वाली चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं कि मेंटर को अगर प्लेलिस्ट ऐड करना है खुद से तो वो भी वो इस ऐप में कर सकता है, ठीक है। धीरे धीरे हम इसी ऐप को कंटिन्यू करके
फ्लटर ब्लॉग जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को भी हम कवर करेंगे। तो इस फ्लटर प्लेलिस्ट में आप ज़रूर बने रहें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। फ्लटर सीरीज़ अगर आपको हेल्प कर रही है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि कोडिंग कम्युनिटी में हम और आप दोनों साथ में ग्रो कर पाएं। तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। फ्लटर ब्लॉक, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी। सपोज आपके सामने ना एक खिलौने का बॉक्स पड़ा हुआ है। अब आपका टास्क ये है कि आपका जो भी फेवरेट खिलौना है उस बॉक्स में से आपको निकाल के उसके साथ खेलना है। सिमिलरली आपके साथ ना आपके चार दोस्त और खड़े हैं, आपके दोस्तों को भी उनका जो भी फेवरेट खिलौना है इस बॉक्स में से निकाल के उसके साथ खेलना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो बॉक्स है इसमें करीबन लाखों खिलौने पड़े हुए हैं, उससे भी ज़्यादा। तो आपके सामने ये चैलेंज आता है कि आपको जो स्पेसिफिक खिलौना चाहिए वो इस बॉक्स में कहाँ पर है, इसको सर्च करना ही खुद में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो फ्लटर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहीं आता है बीच में, ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में काम करता है। आपको जो भी खिलौना चाहिए आप इस फ्लटर ब्लॉक को बोलेंगे, वो इस बॉक्स में से सर्च करके आपको रिजल्ट दे देगा। सिमिलरली ऐप्स के अंदर आपके सामने यूआई रहता है, ठीक है, जिसमें बटन्स रहते हैं, फॉर्म्स रहते हैं, इनपुट टेक्स्ट फील्ड्स रहते हैं। इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में ये हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने यूट्यूब का एक लाइक बटन है, ठीक है। तो जब आप लाइक बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक क्लिक इवेंट कॉल होता है। आप नोटिस करते होंगे कि जब भी आप लाइक बटन पे क्लिक करते हैं तो नंबर इंक्रीमेंट होता है और प्लस वो ब्लू कलर का आइकन बन जाता है। तो यहाँ पे जब आपने बटन पे क्लिक किया तो एक इवेंट कॉल हुआ, हम उसको बोलेंगे एक इवेंट, ठीक है। अब जब वो इवेंट कॉल हुआ तो बैकएंड में वहाँ पे कुछ तो लॉजिक लग रहा होगा। इस यूट्यूब वीडियो पे एक लाइक बटन का इवेंट आया है, वीडियो की जो भी आईडी होगी उस पे ये वीडियो का लाइक काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ से एक स्टेट आएगी, वहाँ से एक स्टेटस आएगा कि अपडेट हो चुका है, आप यूआई पे ब्लू कलर कर दीजिए और काउंट नंबर वहाँ पे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इस इवेंट पे जो भी वहाँ से स्टेट आया, लॉजिक लग कर वहाँ से जो स्टेट आया, इन दोनों को मैनेज करने के लिए, इवेंट और स्टेट को मैनेज करने के लिए फ्लटर ब्लॉक को यूज़ किया जाता है। जो भी लॉजिक है हम इस फ्लटर ब्लॉक में लिखेंगे, जो भी इवेंट कॉल होगा उस इवेंट और उस स्टेट को कनेक्ट करने के लिए ये फ्लटर ब्लॉक का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप कि फ्लटर ब्लॉक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो में। और फ्लटर के कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करूँगा, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हुआ हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।